अलैक जी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग बहुत हाई पावर्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है आज और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन डिसेंट और डेमोक्रेसी के ऊपर हम करेंगे आज और uh, आप लोग बारिश के बावजूद यहाँ पे आए तो थैंक यू सो मच और uh, इससे पहले कि हम फॉर्मली गुफ्तु का आगाज़ करें मान मजारी जो है वो रास्ते में शील शील बी जॉइनिंग अस शॉर्टली मैं थोड़ा सा अपना पहले तारुफ करा रही हूँ मेरा नाम एलिया जहरा है मैं जर्नलिस्ट हूँ नया दौर फ्राइडे टाइम्स के साथ मैनेजिंग एडिटर थी अनटिल रिसेंटली बिफोर आई मूव टू द यूएस लास्ट ईयर इन सितंबर तो वहाँ अमेरिका में जाकर जो है अब मैं विज़िट करी पाकिस्तान आफ्टर नाइन टेन मंथ्स एंड सो मच हैज चेंज इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स सो वील बी डिस्कसिंग दैट शॉर्टली तो वहाँ पर आ, अमेरिका में जाकर मेरी मुलाकात कुछ एग्जाइल के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनसे हुई जो सहाफ़ी एक्टिविस्ट जो पिछले पाँच दस साल में उनके साथ जो है उनको फिज़िकल अटैक्स की वजह से इंटिमिडेशन की वजह से मुल्क छोड़ के जाना पड़ा तो उनके साथ मिलकर हमने ये सोचा कि कोई अपनी क्योंकि हमें अब थोड़ा सा फ्रीडम अमेरिका में हासिल है तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे हम आ, पाकिस्तान में रहकर जो बात नहीं कर सकते थे वो की जाए तो डिसेंट टू डे के नाम से एक प्लेटफॉर्म जो है वो हमने शुरू किया डिसेंट टू डे नेट जो है डिसट टू डॉट नेट उसकी वेबसाइट है और वो लिटरली डिसम्बर के अंदर जो है कुछ कोई सात आठ महीने पहले कुछ जर्नलिस्ट आए और हमने सोचा कि इसको जो है आ, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो सिविलइस uh, मूवमेंट्स चल रही हैं uh, मुख्तलफ़ छोटे uh, सूबों के अंदर लेकिन वो छोटे सूबों की जो बात है वो मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुँचती uh, हम उस वक्त जब काम इस पर शुरू करे थे जानवरी की बात है लास्ट ईयर तो उस वक्त जो है खैबर पखतूनख्वा में जो रिसर्जेंस दहशतगर्दी की हुई है उसके खिलाफ जो है एहतज किया जा रहा था सवात में वज़रस्तान में और मुख्तलि खैबर पखवा के इलाकों के अंदर तो उसको हमने फिर कवर करना शुरू किया ग्राउंड के ऊपर जो डिसेंट हो रही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र नहीं आती हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के लोगों को नहीं पता चलता उसको हमने कवर करना शुरू किया तो विदिन अ फ्यू मंथ्स जो है उसके अलावा गिरगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लोग जो है डिमांड रहे थे उसके अलावा गवादर के अंदर जो है वो भी एक आ, आ, हक दो तहरीक जो है उसके तहत मौलाना रहमान ने एक तहरीक शुरू की जो आ, वॉज हिस्ट्री इन द मेकिंग कि खातन भी सड़कों पर बाहर निकली अपने वो रिकॉर्ड कराने के लिए तो वो सारी हमने जो डिसेंट डिफरेंट पाकिस्तान की पेरेफरीज के अंदर हो रही थी जिसको यहाँ पर कवर नहीं किया जाता उसको जो है वो कवर करना शुरू किया कमीशन की रिपोर्ट्स वहाँ से तो अब जो है इट्स बिन लाइक सिक्स सेवन मंथ्स एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द डिसेंड इन टू द स्पॉट लाइट कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर सकता और जो सिक्योरिटी रीजनस की वजह से पाकिस्तान मीडिया यहाँ पर रहकर हम नहीं कर सकते उसको करें तो आप इसको फॉलो करें डिसेंड टू डे डॉट नेट और उसके तहत हमने जो डिस्कोर्स शुरू की तो हमने सोचा कि इस्लामाबाद में एक इवेंट करना चाहिए जो हम बातें वहाँ पर तो कर लेते हैं और ऑनलाइन भी वो पब्लिश हो जाती हैं लेकिन क्योंकि ये कैपिटल है तो कैपिटल के अंदर हमें जो है इसकी ये गुफ्तु जो है कि इन पर्सन इवेंट भी होना चाहिए जिसमें ये की जाए तो हमारे गेस्ट जो हैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एग्री किया और हम जो है विदाउट फर्दर अडो अब शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगु को तो खटक साहब मैं आपसे शुरू करती हूँ हमने देखा कि इस वक्त जो है जब हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो पारा चिनार से बहुत इस तरह की डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ पे जो है एक तरह से जो है सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया और वहाँ पे मेन स्ट्रीम हम यहाँ पे यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा वहाँ पे अगर कर भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं वो कोई प्रॉपर्टी का तनाज़ा था इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि खैबर पखोनख्वा में तालिबान के ख़िलाफ़ जो एक प्रोटेस्ट की मूवमेंट है उसे नहीं कवर करता कोई मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ इस्लामाबाद में लोगों को पता नहीं आपके ख्याल में इतना बड़ा जो डिवाइड है पाकिस्तान के छोटो छोटे सूबों का और मेन स्ट्रीम का जो पेरेफरीज़ की और जो जैसे हम मेन लैंड पाकिस्तान कहते हैं उसका आपस में जो डिसकनेक्ट है इसकी क्या वजह है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है आपके ख्याल में जी शुक्रिया आ, मेरा नाम अफरासियाब खटक है जी मैं सियासी कर्कुन हूँ और इंसानी हकूक़ कमीशन में भी काम करता रहा हूँ मुंतजीन का शुक्रिया एक इस अहम मौजू पर हमें मौका दिया है चंद बातें करने का गुजारिश यह है कि हमारे मुल्क में बड़ा मसला जो है वो जमहूरीत जमहूरी नज़ाम की कमज़ोरी रही है और हमने देखा है कि डायरेक्ट मार्शा लॉ काफ़ी असर रहा है उसके अलावा भी जो जमहूरी निज़ाम खुसन हक के बाद वो एक तरह से कंट्रोल डेमोक्रेसी जैसे कहें क्योंकि जो यहाँ पे जो असल निज़ाम है उसका अगर फ्रेंकली आनेस्टली हम अगर हम बात करें दयानदारी से तो वो एक तरह से जरनेल शाही रही है और सियासी हुकूमतें उसका एक चेहरा या एक तरह से उसका एक्सटेंशन रही हैं तो एक तो ये अमूमी मसला पाकिस्तान के अंदर है और वक्ता फ़ोतान आप देखते हैं कि रिप्रेशन आ जाता है लोगों को बोलने नहीं दिया जाता बोलने वालों को मारा जाता है पकड़ा जाता है वगैरह फिर पाकिस्तान के अंदर पेरेफरीज़ हैं ऐसे इलाके जो मसलन पेफरीज की अगर मैं जिक्र करूँ मसल बलूचिस्तान पे रेफरी है खूस ये जो बलोच इलाका है ये बिल्कुल पेरेफरी है वहाँ पर देखें दो हज़ार छः से एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है मुसल तनाज़ा जंग हो रही है लेकिन उसके बारे में इस्लामाबाद में कहाँ बात होती है नई बात होती किसी ने कहा कि ऑपरेशन किसने शुरू किया ये कब खत्म होगा इसमें क्या कैजुअलिटीज़ हुई हैं हल कैसे होगा मसलन लोग कहते थे कि भाई अफगानिस्तान में आप नगोसिएशन करें तालिबान के साथ लेकिन बलूचिस्तान में क्यों नेगोशिएशन नहीं करते यानी सियासी मसला है तो उसको मुजाकर से हल होगा उसको कोई फौजी हल तो नहीं हो सकता तो फौजी हल अगर होगा भी वक्त होगा यानी लॉन्ग टर्म नहीं होगा तो इसी तरह से फिर दूसरा जो है खैबर पख्तलखा प्रोविंस और उसके अंदर खसूसा ये जो नए मर्ज इलाके हैं जो पहले फाटा होता था सबका फाटा के अजला सात अजला हैं और छः अजला या इससे छः से, से ज़्यादा फिर पाटा के हैं प्रोविशली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिए मालक्न डिवीजन यहाँ पर भी एक आपने देखा है कि अफ़गानिस्तान में जंग हुई है इस इलाके को इस्तेमाल किया गया यहाँ लॉन्चिंग पैड के तौर पर यहाँ से जंग लड़ी गई गुज्तः पैंतालीस साल से यहाँ से एक जंग लड़ी जा रही है और खसूस अभी जब तालिबान वापस आए हैं अफ़गानिस्तान में तो ये हम लोग कहते रहे थे चीख रहे थे हम चार पाँच साल से कि इसका यहाँ असर होगा यहाँ असर होगा ये कहते थे नहीं जी ये तो आप लोगों को पता नहीं किसने पट्टी पढ़ाई है कि आप ये शोर मचाएं ये तो नहीं होगा वो तो वहाँ पे जो हिंदुस्तान के हामी हुकूमतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे हम कहते थे कि टी टी पी ये कहते नहीं नहीं टी टी पी तो बहुत ख़तरनाक लोग हैं लेकिन वो तो अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की हामी हुकूमत ने उनको बैठाया हुआ है ये कहते थे यानी दो हज़ार सात में टी टी पी बनी है सात से इक्कीस तक चौदह साल यानी मैं और कुछ और लोग हम पागल लोग जो इस तरह की बातें करते थे जो तो जर्नेल जो हमारे साथ टी वी शोज में आपने देखा होगा वो कहते थे, थे नहीं 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 अफगान तालिबान तो मुजाहिदीन है ये जो टी पी वाले हैं ये तो एजेंट हैं इंडिया वाले उनको पैसे देते हैं पाकिस्तान भेज के और ये जो ही ये हुकूमत खत्म होगी ये टी टी पी ख़त्म हो, हो जाएगी लेकिन आपने देखा वो हुकूमत जब ख़त्म हुई तो करीबन ढाई हज़ार के करीब टी, टी के लोग रहा हो गए जो जेलों में थे यानी अशरफ गनी की हुकूमत की जेलों में जो लोग थे वो ढाई हज़ार के करीब फाइटर्स रहा हो गए फिर ये हुआ कि अमेरिका ने वहाँ असलाह छोड़ा जाते जाते ये ये भी यानी ये नहीं कह सकता कि ये कोई गलत, गलत फहमी हुई है यानी इसलाह उन छोड़ा जाहिर है अच्छा वो ये लोग आगे दोबारा ये क़स्सा शुरू हो गया अब ये कहने लगे कि हाँ हाँ हा, ये तो अफगान तालिबान और टी डी पी तो एक हैं ये ये हम उधर उस वक्त से कह रहे थे कि ये एक तंजीम है एक बहरहाल अभी जो किस्सा है अभी लग ऐसे रहा है कि जो पाकिस्तान के रूलिंग एलीट्स हैं अशराफिया हाकिम अशराफिया उसके ये है कि यानी ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये तो एक तरह से तालिबान मैं कभी मजाक करता हूँ लाहौर में कभी बात करता हूँ तो अपने दोस्तों से कहता हूँ कि आप कहते थे कि रमज़ान जाने और पठान जाने इस तरह आप कहते हैं तालिबान जाने और पठान जाने यानी या तो जंग होगी और एक जंग को नॉर्मलाइज़ किया गया ये ख़बरें इसलिए देखें ना पहले ख़बरें होती नहीं हैं इस पर कितनी बहसें होती हैं रोजाना इस पर बहस होती है कि सुप्रीम कोर्ट की पेशी में क्या हुआ जज साहब मुस्कुरा रहे थे या गुस्से में थे या कि किस तरह के आर्गूमेंट्स वकील कर रहे थे लेकिन ये नहीं कहते कि भाई इतने बड़े हमले हुए हैं फ़ला जगह ये क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क के अंदर एक जंग है और ये जंग किधर से आई है और कहाँ जाएगी लेकिन इस पर बात नहीं हो रही तो ये ये वाकई है इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान तीसरा मैं कहूँगा पेरेफरी कि वहाँ भी बहुत कुछ होता है लेकिन उनकी भी खबर जैसे वो पहाड़ों के पीछे एक बड़े जेलखाने में आ, कुछ मिलियंस या लाख लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए तो ये पेरेफरी है इसको कोई कवरेज नहीं मिलती तो आपने कहा पारा चिनार में जो हुआ है अभी जंग हुई है अब देखें ना अभी जोब में हुआ है जोब वजीरस्तान के बिल्कुल बलोचस्तान में है लेकिन वजीरस्तान के काफ़ी करीब है तो ये ये सारे वाक़ यदि ये जो आलमी कशमकश है जो एक तरफ़ से चीन और अमेरिका के दरमियान एक नई सर जंग है तो जिस तरह से पुरानी सर जंग में सब यूनियन और अमेरिका के सरजंग थी और लड़ाई हमारे घर ले आए वो लड़ाई यहाँ पे हुई इसी तरह से एक बार फिर यानी सर जंग है चीन और अमेरिका के दरमियान लेकिन लड़ाई एक बार फिर हमारे सरजमीन पर लाई गई है तो ये एक लड़ाई है मैं समझता हूँ एक बड़ी लड़ाई है जिसके बारे में हमारे हुकुमरान आवाम को अतमाद में नहीं ले रहे और उनको बताना चाहिए कि क्या है असल में इसके पीछे क्या है मुसलमानों लोग ये इतना असला कहाँ से आता है और ये कहते थे अब देखें ना दो हज़ार ग्यारह से दो हज़ार दस से बल्कि इन्होंने कहा कि हमने खारदार तार लगानी शुरू की है और जब वो अफगान हुकूमत कहती है कहते हैं ये तो देखे ना ये टेररिस्ट भेज रहे हैं इसलिए अफगान हुकूमत कहती है तो अब वो तार कहाँ है ये टेररिस्ट आने आने जाने की उनको आज़ादी है कैसे कैसे आते जाते हैं इस इस इन सवालों का ज, ये सवाल नहीं पूछने दिया जाता जवाब तो कोई देने को तैयार नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मसाइल हैं और मैं समझता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको भी करना चाहिए लेकिन हमें ये सवाल उठाने चाहिए क्योंकि अगर ये सवाल हम नहीं उठाएंगे तो खुदा नखास्ता कल को फिर इतने बड़े सवाल होंगे कि उसको न उठाने वाला कोई होगा न जवाब देने वाला कोई होगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज़ किए और पाकिस्तान में मैं बस ये ऐड करूंगी कि वो जो गिलगित बल्तिस्तान की हमें कहते हैं बहुत खूबसूरत है उसको विजिट करें टूरिज्म के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन पे क्या मुजालिम किए जाते हैं किस तरह उनको मिस ट्रीट किया जाता है वो मेन स्ट्रीम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है अब साथ साथ मैं आपके पास आती हूँ जो खटक साहब बातें कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया आप मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा है क्यों नहीं इस तरह की हम क्यों सवाल हम मलिक रियाज का नाम भी नहीं ले सकते हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी तक जो है हमें इस्टेबलिशमेंट हमें कहा कि हम न्यूट्रेल हो गए हैं अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आज़ाद ये सारी बातें की बातें छोटे सूबों की बातें जो हैं वो क्यों नहीं बग़ैर खौफ के कर सकता वालेकुम जी मैं अबसार आलम हूँ और मैं आजकल समा टी वी के साथ एक एनालिस्ट के तौर पर मुंसलिक हूँ उससे पहले मैंने प्रैक्टिकल जर्नल किया अच्छा, अच्छा। तो और दो साल मैं चेयरमैन पैमरा भी रहा हूँ तो जो आपने सवाल पूछा है मैं आपने उसका जवाब भी खुद ही दिया कि बग़ैर खौफ के क्यों नहीं कर सकते तो जो खौफ जो है वो रेलिवेंट वर्ड है खौफ हमारी सोसाइटी में है पूरी सोसाइटी में हर एक को खौफ है और उस खौफ में हम जीना जी भी रहे हैं और जीना हम सीख भी चुके हैं इसलिए हमें शायद ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता नहीं है और अगर आप प्रैक्टिकल रीजंस पे जाएं तो जो अफरा साहब खटक साहब ने भी बात की है कि हमें पेरिफ्रल इलाके समझे जाते हैं सारे आपने नाम लिए हैं तो उसकी जो प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल रीजंस भी हैं वो रीजंस ये हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स हैं या रेडियो भी उसमें था चल रेडियो को आप अभी नहीं हम डिस्कस करते क्योंकि वो न्यूज़ साइड पे ज़्यादा नहीं है वो एंटरटेनमेंट है गाने आपको सुनाते हैं या कुछ गपशप होती है टीवी चैनल ज़्यादा न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स के प्रोग्राम पे फ़ोकस करते हैं उसकी दो दो वजूहत हैं कि टीवी चैनल्स इस पे फ़ोकस क्यों नहीं करते इन एरियाज़ पे। पहली बात तो ये है कि जो टीवी चैनल की रेटिंग को नापने के आलात हैं मीटर्स वो बड़े शहरों में लगे हुए हैं कराची में सबसे ज़्यादा हैं उसके बाद लाहौर में हैं फिर इस्लामाबाद पिंडी में हैं फैसलाबाद में हैं और शायद चंद एक पेशावर और कोटा में भी हैं और हैदराबाद में भी शायद हूँ मुल्तान में भी बहुत थोड़े से लेकिन जो मेन फोकस है वो कराची लाहौर और इस्लामाबाद है वो रेटिंग उनसे नापी जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल मीटर जो हैं वो लगे हुए हैं और मीटर भी कुछ कुछ सौ मीटरस हैं कोई जब मैं था वहाँ पर उस वक्त शायद बारह मीटर से पूरे पाकिस्तान में जो लगे हुए अब 1200 या 1400 या 3000 हज़ार मीटर अगर हों भी तो 3000 घरों में लगे होंगे और वहाँ पे जो टीवी चैनल देखा जाता है वो मीटर बताता है कि इस घर में ए आर वाई देखा जा रहा है जियो देखा जा रहा है समा देखा जा रहा है कितनी देर के लिए देखा जा रहा है वो मीटर एक रीडिंग करता है तो उस रीडिंग की बुनियाद पे वो सारा डेटा जाता है टीवी चैनल को तो टीवी चैनल वही खबरें क्योंकि एडवर्टीज़मेंट है एडवर्टीजमेंट कहाँ से आएगी अगर टीवी चैनल देखे जा रहे हैं कराची लाहौर और इस्लामाबाद में के घरों में इन घरों में जो चीज़ें चाहिए उनकी एडवर्टीज़मेंट होगी तो जो एडवर्टाइज़र है वो डिक्टेट करता है न्यूज़ कंटेंट भी इनडायरेक्टली क्योंकि उसने अपने साबुन का इश्तहार अपने अपने डिटर्जेंट का इश्तहार ये टेलिनॉर के और जैज़ के फोन कार्ड कार्ड जो है उनके इश्तिहार उसने कराची में दिखाने हैं लाहौर में दिखाने हैं इस्लामाबाद में दिखाने हैं तो आपने नोट किया होगा कि कराची में अगर कोई छोटा सा पटाखा भी चल जाए या कोई खम्बे पे बंदा चढ़ जाए या किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाए तो वो कई घंटे लाइव ट्रांसमिशन दिखा रहे होते हैं लेकिन अगर उधर वो क्या है नारान से आगे जो टॉप है बाबूसर टॉप बाबूसर टॉप पे अगर 10 15 20 बंदों को बस रोक के मार दिया जाए तो आप उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखेंगे आप वहाँ पे घंटों घंटों ट्रांसमिशन नहीं देखेंगे क्योंकि जब बाबूसर टॉप पे लोग मारे गए जो कि गिलगित बल्तिस्तान जा रहे थे उसका इंटरेस्ट कराची लाहौर इस्लामाबाद में उस ख़बर का नहीं है इतना क्योंकि मीटर वहाँ लगे हुए हैं एडवर्टाइज़र को वो खबर पसंद नहीं आएगी उसकी बुनियाद पे वो अपने इश्तहार नहीं बेच सकेंगे तो एक तो बुनियादी वजह ये है कि हमारी इकानमी छोटी है और उसका जो इर्तकज़ है वो इन्हीं चंद बड़े शहरों में हैं मिडल क्लास जो ख़रीदती है अर्बन मिडल क्लास उन्हीं के घरों में ज़्यादा टीवी चैनल हैं टीवी सेट्स हैं और उन्हीं वही इनडायरेक्टली एडवर्टाइजर्स को सूट करते हैं और जाहिर है टीवी चैनल को भी सूट करता है यही कि वो उसी तरह का कॉन्टेंट चलाते रहे इसीलिए आप देखते सुप्रीम कोर्ट का जो आपने मिसाल दी है ये तो मेरे लिए सरदर्द है रोज़ाना एक न्यूज़मैन के तौर पे ये देखना कि सुबह से उठ के टीवी चैनल लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना कुछ चल रहा होता है तो क्यों है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जो कुछ हो रहा होता है उसका इंटरेस्ट नहीं है इन तमाम इलाकों में लेकिन वो चला रहे हैं क्योंकि जो अर्बन मिडल क्लास है जो एक सियासी जमात की या दो सियासी जमातों की फॉलोअर है वो देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस सियासी जमात की साइड ले रहे हैं वो वे इंटरेस्टेड होते हैं तो इसलिए वो चलाते हैं दूसरी बात जो है दूसरी वजह जो है वो ये है कि थोड़ी सी तारीखी वजह है कि न्यूज़ जो मीडिया था ना पहले मीडिया सिर्फ न्यूज़पेपर होते थे न्यूज़पेपर सिर्फ वही लोग पढ़ते थे जो पढ़े लिखे हैं जिन जो लिटरेट थे जो जो पढ़ सकते थे चाहे अंग्रेज़ी हो या उर्दू तो उनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत कम है तो वो बहुत कम लोगों तक जाते थे इन्फ्लुएंस कम होता था उसके बाद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता था और बहुत कम तादाद थी न्यूज़पेपर की और ये मनी इंटेंसिव बिज़नेस नहीं था पैसा चाहिए था उसमें प्रिंटिंग प्रेस बड़ा महंगा होता था उस वक्त भी उस दौर के हिसाब से लेकिन इतना पैसा नहीं चाहिए होता था और ट्रेडिशनली जो न्यूज़ पेपर ऑर्गेनाइजेशन थी वो वो लोग उन लोगों ने बनाई चार जो बड़े इदारे थे चार पहले जो ख़ुद न्यूज़मैन थे जो खुद जर्नलिस्ट थे मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने एक छोटे से लेवल पे काम शुरू किया है एज रिपोर्टर लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था या शौक था और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना छोटा सा अखबार निकाल लिया उसको मैंने बड़ा कर लिया फिर मैं दो शहरों में चला गया फिर पाकिस्तान बन गया मैं यहाँ आया तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी जंग ग्रुप वक्त ग्रुप बिजनेस रिकॉर्डर ग्रुप और डॉन ग्रुप ये चार थे ट्रेडिशनल मीडिया ऑर्गनाइजेशन और ये चारों स्वाय डॉन के डॉन के मालिक जो थे वो बहुत आ, अमीर शख्स थे खुद पहले से उसके अलावा आ, जितने भी न्यूज़पेपर थे एक इसमें से पाकिस्तान टाइम्स भी था वो अब नहीं है लेकिन वो ग्रुप नहीं था ये तीनों जो दूसरे थे ना ये वर्किंग जर्नलिस्ट ने बनाए इस वजह से कुछ ना कुछ जेनलिस्टिक एथिक्स जर्नलिस्टिक प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो की जाती थी न्यूज़पेपर्स में फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया 2000 में और टीवी चैनल जब आए तो टीवी चैनल के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए और आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो वही चैनल निकाल सकते थे जिनके पास पैसा था तो पैसा किन पास था पैसा अनफॉर्चुनेटली स्मगलर्स के पास था पैसा अनफॉर्चुनेटली हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने वालों के पास है पैसा प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज चलाने वालों के पास है तो आप देखेंगे कि जितने टीवी चैनल्स हैं इन चार ग्रुप्स के अलावा वो तमाम वो बिज़नेसमैन हैं जो इन में से इन में हैं जिनकी या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और या स्मगलिंग वगैरह वो करते रहे हैं किसी दौर में और फिर वो अमीर हो गए हैं या उन्होंने टैक्स इवेजन की हुई है या कोई घी की फैक्ट्री है घी की फैक्ट्री वालों की भी यूनिवर्सिटी ज़रूर है खैर तो ये पैसा जो है ना अब होता है ये कि इस इन इन बिजनेस में जो पैसा आता है इसमें टैक्स चोरी बहुत होती है अब हुआ ये कि मीडिया वालों ने ये सोचा जिस जिस पैसे वालों ने ये सोचा कि हमने जो पैसा कमाया है इसमें टैक्स वेजन भी की है टैक्स चोरी भी की है तो हमें सरकार तंग करती रहती है हमें सहाफ़ी तंग करते रहते हैं तो हम सहाफ़ियों को नौकर क्यों ना रख लें हम सरकार को प्रेशर डालने के लिए अपना ही एक टीवी चैनल क्यों ना निकाल लें तो टीवी चैनल के बारे में जो एक अब जार्गन है टीवी चैनल नहीं है ये ये टीवी चैनल का लाइसेंस जो है इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी है मेरे काले धन की मेरे ब्लैक मनी की मेरी मनी लॉन्ड्रिंग की जो मैंने यहां बेकरियों से पैसा कमाया बेकरियां बना के पैसा कमाया जो मैंने प्राइवेट स्कूल कॉलेज कायम करके पैसा कमाया और मैंने घी की मिले उसमें जो भी मैंने जिस तरह टैक्स चोरी की और मैंने जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई लोगों की जमीनों पर कब्जा करके उसका मैं पैसा जब बाहर ले कर गया हूँ और वहाँ से मैं वापस लाऊँगा डॉलर की शक्ल में तो मैं कहूँगा ये मेरा पैसा बाहर से आया है और इससे मैंने ये टी वी चैनल निकाला है इसमें मेरा इतना ख़र्चा है मेरा इतना नुकसान है बड़ी आसानी से आप हर साल अपना पैसा मनी लॉन्डर करते हैं मैं आपको बड़ा तल्ख सच बता रहा हूँ लेकिन ये सच है और आप इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास आप जो भी कानून तोड़ें जो भी कुछ करें आपको ना एफ ऑडिट करेगा आपके टैक्सेस का ना कस्टम्स वाले आपको चेक करेंगे आपका जो दूसरा बिज़नेस है मेरा घी का बिजनेस है मेरा तालीम का बिज़नेस है मेरा हाउसिंग सोसाइटी का बिज़नेस है मुझ पर केस करना इतना आसान नहीं होगा अगर करेंगे केस तो मैं उनके खिलाफ कैंपेन चलाऊंगा कि मैं हुकूमत पे तनकीद करता हूँ इसलिए हुकूमत मेरे खिलाफ ही एक्शन ले रही है इसका बड़ा मशहूर एक केस हुआ था लाहौर में एक यूनिवर्सिटी का म्यूज़िकल इवनिंग थी रात को लाहौर में शायद कजाफी स्टेडियम में थी या कहीं और थी वहाँ पे वो भगदड़ में दो बच्चियाँ कुचली गईं और मारी गईं तो एफ़आईआर उस यूनिवर्सिटी के जो ओनर था उसके खिलाफ दर्ज हुई वो टी चैनल का मालिक भी था वो शाम को एफ रात को एफ दर्ज हुई उन्होंने जो सुबह से कैंपेन चलानी शुरू की ना अपने टी चैनल पर हकूमत के ख़िलाफ़ कि इस हकूमत पर हम तनकीद करते हैं इसलिए इसने हम इसके के टी वी चैनल के मालिक को फंसाने के लिए इस मुकदमे में एफ़ आई आर दर्ज करवा दिए शाम तक हुकूमत को वो एफ आई आर वापस लेनी पड़ी उन माँ बाप के प्रोटेस्ट के बावजूद जिनकी बचियाँ मारी गई थी तो शायद अब आपको समझ आ रही हो कि मलग रियाज का नाम क्यों नहीं लिया जाता और क्यों नहीं लिया जाना चाहिए मेरा ख्याल मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया थैंक यू सो मच बिल्कुल आपने जो है वो सारा आ, कुछ बता दिया कि मीडिया क्यों इस तरह करने पे मजबूर है लेकिन मैं ये इसमें ऐड करूँगी कि इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स कुछ बनी हैं पिछले कुछ सालों में आ, थोड़ी सी डिफाइंस हमें मिल रही है जो कि वाकई में वो सेट नहीं उसको चलाते वो जर्नलिस्ट हैं जो कि उसको स्टार्टअप्स वग़ैरह यूट्यूब के ऊपर और वो उसके अंदर जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है तो उसमें हम अभी बात करेंगे ईमान मजारी ने हमें ज्वाइन किया है ईमान इज अ लॉयर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड ईमान हम पहले बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में और uh, खटक साहब बात कर रहे थे कि पे का और uh, मेन स्ट्रीम का जो डिवाइड है uh, गिरगिज बल्तिस्तान में जो एहतजाज है होते हैं खैबर पखनखा में जो होता है हमें उसके बारे में यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के पता नहीं चलता और फिर मैंने अबसार साहब से पूछा कि मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या उसकी रीजन होती हैं तो आप ग्राउंड पर काम करती हैं एक्टिविस्ट के साथ जो इन्फोर्स जैसे पेरेंसिस के खिलाफ काम करते हैं लोग जो मिसिंग पर्सनस के फैमिलीज़ हैं आपको लगता है कि के ने हमें जब बताया कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, उसके बाद से क्या कोई तब्दीली आई है क्या एक्टिविस्ट जो सिविल राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए चीजें बेहतर हुई हैं या वर्सन uh, हुई हैं या वैसे की वैसी थैंक यू uh, सबसे पहले सॉरी के आई वॉज लेट Um, देखें ये जो हमें बताया गया है कि फौज अब न्यूट्रल हो गई है आ, इससे बड़ा झूठ शायद हमें आ, पहले नहीं बताया गया क्योंकि अभी भी वही चीज़ें जारी हैं मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल अभी भी किया जा रहा है सबको पता है कि किस तरह मीडिया ओनर्स को अभी रिसेंटली समन किया गया था फैसल नसीर की तरफ से और क्या उन्हें धमकियाँ दी गई थी तो आई थिंक कि बहुत क्लियरली इस पर बात करनी चाहिए कि अभी भी मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है इनफैक्ट अभी भी मीडिया पर जो कदगने लगी हुई हैं उसकी वजह से खसूस आप देखते हैं जो अभी पारा चिनार में हुआ है या जो बलोचिस्तान में होता आ रहा है उस पर बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं किया जाता अब पिछले हफ़्ते आई बिलीव चार uh, जुलाई को इनफैक्ट uh, सालिम बलोच को उठाया गया था एक राम बलोच जो कि बलोच तलबा हैं फ्राम uh, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान और ये एक प्रैक्टिस uh, है जो जारी रहती है सो इवन नाउ एक हम कहते हैं कि रजीम चेंज हो गया है और कि अब हाइब्रिड रजीम नहीं है लेकिन अब हाइब्रिड रजीम टू पॉइंट ओ है uh, और बहुत अफसोस की जो मुझे बात लगती है uh, वो ये है कि अगर आ, इस नई हुकूमत ने इस नई रजीम ने आना था तो एट लीस्ट मीडिया के लिए एक बेहतर डील डील से ही आए हैं सभी डील से ही आते हैं लेकिन मीडिया के लिए एक बेहतर डील सिक्योर तो कर लेते बिकॉज़ बिकॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं कि किस तरह मीडिया आज भी Uh, कोई भी uh, तनकीदी आवाज़ को नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकती आज भी uh, जो क्रिटिकल क्वेश्चन हैं स्टेट के बारे में या एक अदारे के बारे में आज भी वो क्वेश्चन नहीं आप उठा सकते सो दैट वुड बी माई आंसर टू दैट ठीक है थैंक यू इस uh, इसमें हम आते हैं अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में खटक साहब मैं दोबारा आपके पास आती हूँ इसमें जो uh, uh, हम देखते हैं कि इस वक्त uh, सबसे ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात कर रही है इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है कि इलेक्शन होने चाहिए और फ़ौरन अनाउंस कर दें और uh, एक पार्टी है जो कह रही है कि हम तो इलेक्शंस uh, अगर नहीं होंगे तो हम तो सड़कों पे आएंगे और वो उसकी लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू जो है कि टेरिज़म जो है वो पाकिस्तान में वापस आई है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स और स्पेशली जो एंटी तालिबान पार्टीज़ हैं हमारे पास हिस्ट्री हमें ये बताती है कि इलेक्शंस के दौरान कैंपेन के दौरान उन पर अटैक्स होते हैं उनके जो लोग हैं वो कत्ल किए जाते हैं ए एन पी जिस आप पहले थे उसके बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनको कत्ल किया गया तालिबान की तरफ से तो इलेक्शंस इन हालात में जब होते हैं बग़ैर इस चीज़ को टेररिज्म के तालिबान की वापसी को प्रॉपरली एड्रेस किए तो आपके ख्याल में ये एंटी तालिबान पार्टीज़ जो हमेशा से उनकी पोजीशन रही है तालिबान के ख़िलाफ़ क्या उनके खिलाफ ये एक उनको लेवल प्लेंग फील्ड मिलेगी इन दैट केस जी बिल्कुल यानी इलेक्शन तो होने चाहिए ज़रूरी हैं आइन के मुताबिक और अगर नहीं करेंगे तो सारा निज़ाम जो है वो एक तरह से आइन के दायरे से बाहर चला जाएगा जैसे गाड़ी कच्चे रास्ते पे चली जाती है तो फंस जाती है स्टेट के साथ ये हो जाएगा तो ये तो ज़रूरी है लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो माजी के तजुर्बे हैं उनसे सीखना भी चाहिए धानली भी नहीं होनी चाहिए और खौफ भी नहीं बनाना चाहिए जो खौफ की फ़िज़ा है ये नहीं होनी चाहिए देखे ना इलेक्शन तो इसलिए होते हैं कि लोग अपनी राय दें लेकिन अगर खौफ होगा तो फिर क्या होगा लोगों का उठाया जाना मसला लोगों को उठाया जाना मसला अगर आज जो पी टी आई के लोग अगर उठाए जा रहे हैं हम उसके मुखालिफ हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं। बहुत गलत बात है किसी लेकिन ये तो अभी शुरू नहीं हुआ ये तो सिलसिला जारी था ना ये जो हज़ारों बलोच उठाए गए हैं उनका कौन पूछेगा जो पुखतूवा में हज़ारों लोग गुम हैं इंटरमेंट सेंटर्स में बैठे हुए हैं मैं आपको बताऊँ अदालतें भी बदकस्मती से आ, उस तरह से नहीं करती मसला जो केसेस हैं ईमान के केसे लड़ती हैं इनको ज़्यादा मालूम है, लेकिन आ, थोड़े बहुत जो हम पूछते रहते हैं मसला ऐसी दरख्वातें हैं ब, मसलन जो एक्शन इन एड का वो रेगुलेशन है ये पुखतख्वा में नाफज हुआ पाँच अगस्त दो हज़ार उन्नीस को उसी दिन जिसमें मोदी ने कश्मीर की रियासत की हैसीयत को ख़त्म किया था उसी दिन ठीक उसी दिन गवर्नर शाह फरमान ने एक रेगुलेशन पर दस्खत किए और उसने कहा कि ये मैं सूबे में पखतनख्वा में यह एक्शन एड जो है ये बहुत डन लॉ है ये फाटा में नाफिज था दो हज़ार ग्यारह से और ये यानी एक तरह से फ़ौज को गिरफ़्तारी के अख्तियार देता है जो कानून में नहीं है उ, उनको और रखने का लोगों कैदी रखने का वगैरह इंटरमेंट सेंटर चलाने का तो ये जब फाटा मतगम हो गया पखतनख्वा सूबे में तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इख्तियार चला गया तो उसके बाद तो ये मुमकिन नहीं था एक तो ये बात है कि ये मुमकिन नहीं था यानी ये कानून यानी ये तो ऐसे है जैसे फाटा हमारे सूबे में मतगम नहीं हुआ हमारा सुबा फाटा में मतगम हो गया यानी ऐसे इन्होंने चक्कर चलाया दूसरी बात यह कि शाह फरमान साहब के पास इख्तियार नहीं था ये मसला मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने अब अब अगर कहते मैं कहता हूँ कि कानून ले और मैं दस्खल करता हूँ मैं कहता हूँ मैंने फला बलोचिस्तान में फला कानून नाफज कर यहाँ से मैं बैठ के कहता हूँ मेरे पास क्या अख्तियार है लेकिन ये उसने किया वो जो हमारे सेठ वकार साहब को खुदा जन्नत दे वो जब जिंदा थे उन उनके पास केस किया उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है ये बेंच था शेठ से, वकार साहब और ये मुसरत हिलाली साहबा का बेंच था उसने कहा कि ये तो आइन के ख़िलाफ़ बात है ये कैसे आप कर सकते हैं उसने कहा ख़त्म ये फौरन उसने कहा स्ट्राइक डाउन किया उसने कहा इंटरमेट सेंटर के सारे कैदी ले जाओ जेल ख़ानों में रेगुलर कैदी जेल खानों में कानून के मुताबिक लेकिन हुकूमत दौड़ती हुई आई उसने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया चार साल हो गए चार साल यानी पुख्तुनख्वा के साठ मिलियन अवाम के जो हैं वो इस आइन के इस कानून के तहत एक तरह से मारे जा रहे हैं कुछ लोगों ने चार पाँच लोग बुशरा गौर साहिबा फरोजाला बाबर साहब मैं और मोहसिन दावर हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डाली रेगुलेशन के खिलाफ जस्टिस कोसा ने सुनी दो तीन पेशियाँ फिर उन वो रिटायर हो गया वो बेंच टूट गया चार साल से वो बेंच नहीं बना चार साल से जी इंसानी हकूक का इतना बुनियादी मसला सुप्रीम कोर्ट से लेकिन नहीं बना तो ये अदालतों में भी बदकिस्मती है तो सूरत हाल ये है कि जो आप कह रही हैं कि इलेक्शन में क्या होगा इलेक्शन में ये होगा जी कि ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसा लेकिन ये तालिबान का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में ज़रा कम लोगों को मालूम है ये हकीक़त में ये कोई मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि कोई गैर रियासती वो कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं होता हर नॉन स्टेट एक्टर के पीछे कोई ना कोई रियासत होती है चाहे वो यहाँ की रियासत हो या चाहे कहीं और की रियासत हो लेकिन रियासतों के बगैर नहीं होता तो ये जो तालिबान इलेक्शन में लोगों को नहीं रोकते थे तो वो जो अंग्रेजी में कह रहे थे देर वॉज ए मैथड इन द मैडनेस यानी वो सब पार्टियों को तो नहीं रोकते थे ना कुछ पार्टियों को रोकते थे बास पार्टियों को रोकते थे मुझे बहुत करीब से मैंने देखा दो इलेक्शन 2008 हज़ार आठ की और दो हज़ार तेरह की मैं ए, 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 एन पी का सूबाई सदर था और मैंने बहुत मोनिटर किया और चूँकि कैंपेन चलाने का मैं इंचार्ज था तो मैंने बहुत गौर से देखा तो ये ऐसे नहीं था कि वो टी टी, -पी, टी, -टी -पी के साथ एन का क्या झगड़ा था क्या यानी कोई जायदाद की दुश्मन थी कोई और किस्सा था लेकिन ख़ास कर उनको बताया कि ये ये जो पार्टी है इसको बाहर रखना है तो ये भी एक तरह से मैं समझता हूँ कि रियासत की पॉलिसियों ही से होता है ऐसी बात नहीं है कि खुद ब खुद हो जाता है तो ये ये भी एक हकीकत है तो इस दफ़ा फिर इस बात का खदशा होगा अगर इस तरह से इलेक्शन होंगे तो पहली बात तो यह कि मसला बाज़ जो बहुत जहाँ पे गहरे तौर पर तालिबान जो हैं मौजूद हैं टी टी वो वहाँ कैसे इलेक्शन होंगे मसलन वजीरस्तान दोनों शिमाली और जुनूबी मसलन मालाकंड डिवीजन के बाद पॉकेट्स या इसी तरह से बलूचिस्तान के बाद इलाकों में तो एक, एक तो ये सवाल है और दूसरी बात यह है कि उससे पहले ये जो हमारे यहाँ सियासी बुरान है अगर ये बहरान इस तरह रहता है तो ये जो फ़िज़ा है फ़िजा अच्छी फ़िज़ा नहीं है अभी जो फ़िजा मौजूद है बहुत ग़ैर यकीनी सूरतयाल है और जैसे मैं कह रही थी यानी मीडिया पर भी पाबंदियाँ हैं बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं बहुत चीज़ें आप नहीं कह सकते तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के लिए बहुत अहम बात यह है कि रियासत अपनी पुरानी पॉलिसियों पर नज़रसानी करती है या नहीं करती देखिए ना दो हज़ार अठारह में क्या हुआ दो हज़ार अठारह में इलेक्शन में डाका पड़ा और डाका किसने डाला डाका जर्नेलों ने डाला वो जर्नेल कहाँ हैं उन पर मुकदमे चले हैं नहीं चले हैं देखिए ना ये दो ये आप कहते हैं नाइन्थ में नाइन्थ में तो सिम्टम है रूट कॉज तो ये नहीं है रूट कॉज तो जर्नेल शाही है चाहे वो फला जर्नेल था चाहे वो फला था चाहे फलाँ था, था, था या चाहे फलाँ है ये तो इस तरह नहीं हो, नहीं होगा नहीं ये इन सवालों का हमें जवाब देना पड़ेगा कि इसका क्या जमानत है कि कल फिर ऐसे नहीं होगा अगर अगर ये पुराने शिशु किस पर मुकदमे चलाए जाते देखें तो उस उसके बाद फिर ये हो सकता था कि यानी प्रोसिक्यूट होते लोग तो फिर ये हो सकता था कि आइंदा के लिए कुछ ज़मानत होती लेकिन अब तो ऐसे मालूम होता है कि दोबारा एक तरह से एक नए नए प्रोजेक्ट एक पुराना प्रोजेक्ट ये लपेट रहे हैं लेकिन नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मैदान साफ हो रहा है ना इसके हम कैसे माने कि ये नया प्रोजेक्ट नहीं होगा या नहीं आएगा तो इसलिए मैं समझता हूँ इन सवालों के जवाब लो, लोगों को देना होगा लोग मांग रहे हैं उसके बगैर गैर यकीनी सूरत इसीलिए है किसी को यकीन है अब इलेक्शन अगर होगा अक्टूबर में तो देखें ना जुलाई अगस्त दो महीने लगे हैं इलेक्शन में कम से कम तीन महीने तो हो कैंपेन होती है वो कैंपेन कहाँ है कैंपेन कैसे होगी और फिर आपने जो सवाल उठाया साथ में दूसरा सवाल अमन अमान का देखिए ना कल जोब में कैसी बड़ी लड़ाई हुई कैसी बड़ी लड़ाई सारा सारी रात शहर में तोपें चलती रहीं और किसी को हुकूमत ने उसके बारे में नहीं कहा वजाहत नहीं की खबरों में खबरों में कुछ चीज़ें आ गई लेकिन नहीं बताए तो मैं समझता हूँ कि ये ये जो एक तरह से ग्रे एरियाज हैं या जैसे वैक्यूम है उसका इतलात का इसको ख़त्म किए बगैर आप ढारस वाली फिज़ा भरोसे वाली फ़ा पैदा नहीं कर सकते जी बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली रियासत ने हमेशा इनेबल किया है टेररिज्म को हमारे मौजूदा वज़ी अजम जो हैं वो 2011 में ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि आप तालिबान को कि हमें ना अटैक करें पंजाब में हम तो आपकी आइडियोलॉजी को ही बिलीव करते हैं तो आप बस वहीं खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद रखें अपनी एक्टिविटीज़ और एक सबक वज़ी अजम जो है वो तालिबान को ऑफर कर रहे थे कि आप ऑफिस हम आपको दे देंगे तो ये जो है इसको एड्रेस किए बगैर जो है वो इलेक्शन या किसी भी किस्म की पोलिटिकल एक्टिविटी अगर होती है तो वो फेयर नहीं होगी अगर इस चैलेंज को एड्रेस ना करें अब सार साहब कमिंग बैक टू यू जो हमने इस वक्त खड़क साहब कह रहे थे कि जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रहा है गोज़ विदाउट कि हम उसकी मजम्मत करते हैं किसी भी सियासी कारकुन के खिलाफ जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए लेकिन हमें हिस्ट्री भी थोड़ी सी जो है वो दुरुस्त करनी चाहिए बहुत नौजवान भी यहाँ पर हैं कि हिस्ट्री भी नहीं अभी दो तीन साल पहले आपके ऊपर अटैक हुआ था पी के दौर में तो बहुत सारे सहाफी हैं जो पी के दौर में उनको जो है वो थ्रेटन uh, किया गया उनको फिजिकली अटैक किया गया तो एस समन दिन असैसनेशन अटैम्प डरिंग पी टी आई गवर्नमेंट यू थिंक मीडिया को आज़ादी थी ये जो कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है तारीख में पहली बार ये क्रैकडाउन हो रहे हैं अरेस्ट हो रहे हैं आपके ख्याल में वाकई क्या अनप्रेसिडेंटेड है या पी टी आई के गवर्नमेंट में भी ऐसे ही था देखिए इसका जवाब तो बहुत वाजह है और जब हम अपने अपने कम्पार्टमेंट्स uh, बना लेंगे अस और दैम में जब तकसीम हो जाएगी तो फिर तारीख तो ऐसी होगी कि जो मुझ पर अटैक हुए हैं वो ठीक हैं जो आप पे अटैक हो रहे हैं वो ठीक नहीं है और बदकस्मती से मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि जो इमरान प्रोजेक्ट देखें सियासी अख्तलाफा हमेशा रहे हैं और मैं मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा इख्तलाफ जमात इस्लामी और एन पी का होता था किसी दौर में जो और फिर सियासी अखलाफ़ फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ रहा लेकिन इख्तलाफ अख्तलाफ रख राय तक रहा ये जो सोसाइटी को हमारी में पोलराइजेशन तकसीम कर दिया गया ना फौज तकसीम हो गई अदलिया तकसीम हो गई मीडिया तकसीम हो गया सोसाइटी तकसीम हो गई ख़ानदान तकसीम हो गए और ये एक डिज़ाइन के तहत किया गया इतनी नफरत और इतना झूठ भरा गया आपने डिजिटल मीडिया की बात की और डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल किया गया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे कई सालों तक और उसमें लाइसेंस दे दिया गया लोगों को कि आप किसी पे भी जो मर्ज़ी झूठ दे दे, लगा दें और फैला दें कुर के फतवे लगा दें ग्दारी के फतवे लगा दें और उसके बाद उनकी ज़िंदियाँ ख़तरे में डाल दें उनके ख़ानदान की ज़िंदियाँ ख़तरे में डाल दें और ऐसे वाक़ात हुए हैं कि डिजिटल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोग मरे हैं उन लोगों की जाने गई हैं क्योंकि उनके खिलाफ वायलेंस आपने वायलेंस पे लोगों को आपने उकसाया है और वो हुआ है तो ये जो ये जो आ, ये जो तकसीम पैदा की गई है ना इसकी वजह से भी जो पहला सवाल आपने पूछा था ना कि और जो अफरा से आप खटक सा बार बार कह रहे हैं कि मीडिया फोकस क्यों नहीं करता तकसीम इतनी ज़्यादा हो चुकी है हर हर लेवल पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बहुत सारे लेवल पे मल्टीपल लेवल पे हुई ये तकसीम मसलन अर्बन रूरल तकसीम है आ, पी टी आई एंड नून लीग पंजाब में तकसीम है के पी में पी टी आई और जे यू आई तकसीम है कराची में इस तरह पीपल्स पार्टी और पी टी आई की तकसीम है एम क्यू एम की भी है और बलोचिस्तान में तो खैर बहुत ही ज़्यादा तकसीम है इसी तरह जो बलोचिस्तान है पंजाब उससे अलग है बलोचिस्तान अलग है कोई किसी पर एतबार नहीं करता बलोच पंजाबियों पर नहीं करते पंजाबी बलोचों पर नहीं करते तो ये जो हमारे अंदर एक मिसट्रस्ट है ट्रस्ट डेफिसट है इन चीज़ों की वजह से मेरा ख़्याल है कि ये आ, मीडिया भी इसका शिकार है मीडिया ने ना सिर्फ ये तकसीम दूसरों में पैदा की अदलिया में फौज में सियासी अशराफिया में या सियासी जमातों में और सोसाइटी में बल्कि अपने अंदर भी कर ली जो पहले नहीं थी पहले भी इख्तलाफ राय होता था और राइट और लेफ्ट के जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म जर्न वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होती थी लोग भी होते थे लेकिन कम से कम एक मिनिमम कॉमन एजेंडा ज़रूर था जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच था प्रेस फ्रीडम था इन चीज़ों पे इकट्ठे होते थे लेकिन अब ये नहीं अब ये कि अब प्रेस फ्रीडम मेरे ब्लॉक की है तो ये तो इसको तो कुछ नहीं हो रहा ये यहाँ तो लोग अगवा नहीं हो रहे तो ये ठीक है दूसरा जो कर रहा है वो ड्रामे कर रहा है उसको गोली भी लगी है तो वो ड्रामा कर रहा है आ, उसको अगवा भी किया गया तो उसने खुद अगवा करवाया तो जब वो ब्लॉक ख़ुद उसमें आया है फंसा है तो अब दूसरी साइड जो है वो उसका मजाक उड़ा रही है उनका कि ये ऐसे है तो लेकिन बहरहाल ये ये अच्छी बात नहीं है मैं मीडिया के रेफरेंस से बात करता हूँ पॉलिटिक्स पे अफरा साहब खटक साहब बता सकते हैं आपको लॉयर्स कम्युनिटी में कितने अख्तलाफात हैं किस तरह एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाह रहे वो तो यही हाल मीडिया का तो मीडिया मैं समझता हूँ एक ऐसा टूल था जिसको इस्तेमाल किया गया माशरे में तकसीम के लिए लेकिन उस दौरान मीडिया ने ख़ुद अपने अंदर भी तकसीम पैदा कर ली जिसकी वजह से आज जब एक साइड के बंदों को उठाया जाता है तो दूसरी साइड के लोग रिलेक्टेंट होते हैं इस पे प्रोटेस्ट करने में क्योंकि वो खुद इतना कुछ देख चुके हैं इतनी तकलीफ़ों में से गुजर चुके हैं कि वो आ, उनको समझ नहीं आती कि अपने दुश्मन की सपोर्ट कैसे करें लेकिन बहरहाल अपने जात से ऊपर उठना चाहिए अपनी जात से बाहर निकल के सोचना चाहिए और राइट और रॉन्ग की बात करनी चाहिए तो जो रिसीविंग एंड पे थे पिछले दौर में उनको बिल्कुल मौजूदा दौर में जिन पे जिनके साथ ज़्यादि हो रही चाहे उन्होंने ज़्यादा की थी चाहे में उनके साथ हो रहा है लेकिन ना इसका मजाक उड़ाना चाहिए ना इसको इसको जस्टिफाई करना चाहिए बल्कि इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए जो आ, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं ऐसा नहीं है कि सारे ही पिछले दौर के लोग जो हैं वो इस दौर के लोगों को जस आ, के उठाए जाने को या उनके खिलाफ केसेस को जस्टिफाई कर रहे हैं लेकिन बदकस्मती से डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत सारे वो लोग भी जर्नलज़म का की आर्ड ले रहे हैं जिनका जर्नलज़्म से कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन झूठ उन्होंने फैलाया उन्होंने रेटिंग ली उन्होंने व्यवरशिप ली खास तौर पर जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो कुछ लोगों की बातों पर बहुत यकीन करते हैं व्यवस जाते हैं लाखों में लाखों में व्यूज़ जाते हैं तो पैसा भी डॉलर्स में ही आता है उतना वो फिर आप मेरे अपने जानने वाले दोस्त अच्छे जर्नलिस्ट और उनकी मैं वो विलाग अब जो यूट्यूब पे वो देखता हूँ ऐसी ऐसी उसमें बात उन्होंने लिखी होती है ऐसा ऐसा वो लोगों को असतूर भी तशरीफ लाए हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा लेकिन और विलागर्स बहुत सारे हैं जो जो ऐसी ऐसी सनसनी खेस ख़बर देते हैं और नीचे आप व्यूज़ देखें उनके छः सौ चौहत्तर सिक्स सेवेंटी फोर के वन मिलियन व्यूज़ हंड्रेड थाउजेंड व्यूज इतने और फिर उतने पैसे और उस पर वो फिर रोजाना करते रहते हैं झूठ जितना मर्जी बोले जाए आप यहाँ उन पर कोई चेक नहीं है कोई उन पर उनको कोई कानून उनको पूछ नहीं सकता अगर आप टीवी चैनल में हैं तो कुछ ना कुछ तो चेक है आप पे न्यूज़पेपर में में तो चेक है लेकिन यूट्यूब पर आपके ऊपर कोई चेक नहीं है और बाहर लोगों को ये मसाला पसंद आता है दूसरे दिन चाहे आप उसके उलट कोई बात कर दें लेकिन चल रहा है तो ये जो कारोबार है जो पैसा है इसमें ना प्रोफेशनलिज्म है ना एथिक्स है ना कोई लीगलिटी है बस चल रहा है बिल्कुल और आपने सही कहा जो प्रोग्रेसिव क्वार्टर्स जिनको पीटीआई के टाइम पे टाइम करार दिया गया था और पीटीआई ने कैंपेंस उनके खिलाफ चलाई थी अब सार आलम समेत उन पर जब अटैक हुआ तो वो कहते पीटीआई के ट्रोल्स कहते थे कि तो ड्रामा कर रहे हैं उन सब ने जो है पीटीआई के खिलाफ जो पीटीआई टी वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वो सब जो है उनके ह्यूमन राइट्स का की फेवर में बात करें तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट ईमान कमिंग बैक टू यू मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है पीटीआई वर्कर्स जो नाइन मई के राइट्स के अंदर इन्वॉल्व थे उनको ट्राई किया जा रहा है तो इसके खिलाफ जो है वो ह्यूमन राइट्स कॉर्टर्स ने आवाज़ उठा के एक जो आर्ग्यूमेंट इसकी फेवर में दी जाती है वो ये है कि सिविलियन कोर्ट्स जो हमारी हैं वो आ, सही तरह काम अपना नहीं कर रही हैं और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सही तरह सजा कर दे सकें प्रोसिक्यूट कर सकें तो आपके ख्याल में ये आर्ग्यूमेंट होल्ड करती है और आ, किस तरह से हमें पोजिशन लेनी चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर आई थिंक ये बहुत क्लियर पोजिशन होनी चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में किसी भी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता यही पोजीशन होनी चाहिए थी जब पीटीआई की हुकूमत में 25 लोगों के ट्रायल्स हुए थे सिविलियंस जो थे और आज भी यही पोजीशन होनी चाहिए ये जो आर्गुमेंट है ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जब लोग कहते हैं कि सिविलियन कोर्ट्स फेल हो चुके हैं क्योंकि इसमें तीन मैं पॉइंट्स रेज करूंगी सबसे पहले कि जब आप इन्वेस्ट अपने बजट का जो खतीर हिस्सा है वो डिफेंस में करते हैं आप कोर्ट्स में नहीं इन्वेस्ट करते आप सेहत में नहीं इन्वेस्ट करते तालीम में नहीं इन्वेस्ट करते तो आपको क्या तो है कि उन कचहरीों में जहाँ एम श्योर आप लोग गए होंगे उधर से आपको इंसाफ मिलेगा दूसरी बात कि जब ख़ुद से मिलिट्री और मिलिट्री जुडिशल नैक्स के ज़रिए आपने जुडिशरी को इतना वीकन कर दिया है कि आपने आइन को इफेक्टिवली रद्दी की टोकरी डाल के जला दिया है तो फिर आप किस तरह तो कर सकते हैं कि वो सिस्टम इवॉल्व करेगा या जस्टिस डिस्पेंस कर सकेगा और फिर तीसरी बात कि मिलिट्री कोर्ट्स ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सिविलियन कोर्ट्स फ़ेल हो चुकी हैं इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने चाहिए ये प्रिज्यूम कर रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स फेयर हैं या मिलिट्री कोर्ट्स में जो बैठते हैं और ट्रायल्स चलाते हैं या जो प्रोसिक्यूट करते हैं वो कॉम्पिटेंट हैं वो फौजी एहलकार हैं उन्हें कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं है जो जजेस होते हैं जो वकील होते हैं हम डिग्रीज करते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं हम सीनियर्स के साथ काम करके सीखते हैं इधर तो जो फौजी एहलकार हैं जिनको सिखाया जाता है कि आप इनफैक्ट उन्हें यह सिखाया जाता है कि आप ना सोचें क्योंकि उनका काम ही है कि वो ऑर्डर फॉलो करें तो वो लोग किस तरह सोचने की सलाहियत रख सकते हैं लेट लोन कि वो इंसाफ डिस्पेंस करने की सलाहियत रखते हो और पर्सनली क्योंकि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस किए हुए हैं मैंने देखा हुआ है अब क्लोज किस तरह वो ट्रायल्स चलती हैं किस तरह वो अपील्स चलती हैं अपनी मन मर्जी से वो अहलकार चला रहे होते हैं उन प्रोसीडिंग्स को इस हद तक अनफेयर ट्रायल्स होती हैं कि अगर आप काउंसिल हैं हैंज़्ड पर्सन के और लट से आपके क्लाइंट की कन्विक्शन हुई है तो वो आपको जजमेंट तक की कॉपी नहीं देते जिसको आपने चैलेंज करना है तो आप किस तरह उस जजमेंट के खिलाफ आर्ग्यू करेंगे इसी तरह प्रोसिक्यूशन विटनेस जो होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो आपको नहीं दी जाती कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो आपको नहीं दिया जाता तो ये तो ट्रायल्स हैं ही नहीं फेयर ठीक है थैंक यू मान एक फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस मैं करूंगी उसके बाद ऑडियंस के पास हम आएंगे खतक साहब हम इस्टेबलिशमेंट की रोल के बारे में बात कर रहे थे अभी आपके ख्याल में हम कैसे आप सेनेटर भी रह चुके हैं किस तरह से पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्या तब्दीली तब अपने अंदर लाएँगे कि इस्टबलिशमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो सही मायनों में पॉलिटिक्स के अंदर खत्म हो जाए क्या हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टू पॉइंट ओ की जरूरत है क्या वो काफ़ी होगी इसके लिए क्या पॉलिटन को करना चाहिए टू मेक श्योर कि इस्टेबलिशमेंट किसी भी तरह से इन्वॉल्व ना रहे पोलिटिकल प्रोसेस के अंदर जी बिल्कुल इसके बारे में दो अला हैं आइन की या कानून की एक डी जोर कहते हैं और एक डिफक्टो डी जोर यानी वो निज़ाम जो आइन की बुनियाद पर खड़ा होता है आइन और कानून की बुनियाद पर जो निज़ाम चलता है वो डी जोर है और डिफक्टो जो आइन और कानून की उसकी ज़रूरत है या नहीं है लेकिन वो चलता है वो मौजूद है तो पाकिस्तान में ये जल्द जयाल के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले कार भुटो की हुकूमत में उस तरह से नहीं था यानी क्योंकि मुझे याद है उन दिनों में अब भी मैं सियासत में एक्टिव था और काफ़ी जेल वगैरह में भी मुझे जाने का मौका मिला लेकिन आ, ये सिलसिला नहीं था उसके बाद जो जया के बाद हुकूमतें सिविल हुकूमत में बनी वो उस तरह से सिविल नहीं थी क्योंकि कुछ चीज़ों में मसला वजारत ख़ारजा को पता नहीं होता था जे एच क्यू लोग चले जाते थे अभी भी आप देखते हैं बाहर से लोग आ जाते हैं मेहमान आ जाते हैं और वजीर ख़ारजा हों या दूसरे लोग हों वो फ़ौज के पास चले जाते हैं तो इसमें यह हुआ कि इस दौरान में चंद डेकड्स में ऐसी हुआ कि वो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट विद इन अ स्टेट रियासत के अंदर रियासत फिर एक किसी ने कहा कि नहीं ये रियासत, के, जैसे के लिए के लिए के रियासत की जैश नवाज शरीफ साहब ने कहा कि रियासत के ऊपर रियासत और वो मेरा ख्याल ज़्यादा दुरुस्त फार्मूलेशन है कि रियासत के ऊपर और इसमें ये इतना अब गहरा मफाद हो गया है कि सिर्फ ये नहीं है कि उनका रियासत में मफाद ये कि उनके एक माशी मफादात बहुत बड़े माशी एम्पायर है उनकी मुकम्मल एक एम्पायर है यानी जिसमें बैंकिंग है कारखाने हैं यानी कंपनियां हैं आप देखें ना एफ़ डब्ल्यू ओ आप देखें आप लॉजिस्टिक सेल्स देखें और यानी ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत बड़े पैमाने पे अब ये अरबों का कारोबार तो अब इस कारोबार के लिए तो और उनकी ज़रूरत है कि वो रियासत पर उनका कंट्रोल रहे कब्जा रहे तो इसलिए वो फिर फौजी अदालतें भी वो जो कर, बात करते हैं इस उसमें इंसाफ की बात नहीं करते वो इसलिए कि वो फौज का गलबा असल में जनरल अपना गलबा चाहते हैं इसलिए वो ये सिलसिले करते हैं इसमें अब मेरे ख्याल में जो तरीका है क्योंकि मैं तो सियासी कारकुन हूँ तो माजी का मुझे जो याद है ऐसे होता कि सियासी पार्टी ने दो मरतबा बड़ी कोशिश की एक जो एम आर डी की तहरीक थी मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ़ डेमोक्रेसी जनरल जयावल्क के ख़िलाफ़ ये उन्नीस सौ अस्सी की दहाई में उसने एक प्रोग्राम बनाया उसने कहा कि जब माशा ख़त्म हो जाएगा तो एम ने कहा था कि हम मिल एक दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे और एक ट्रांजिशन का उन्होंने प्रोग्राम दिया था कि यानी जमहूत को कंसालिडेट करने के लिए किन असलाहत की ज़रूरत है ये असी की दाई में ये पार्टियों ने जदोजहद की लेकिन बदकस्मती से जब माशा ख़त्म हो गया और जयाल्लाख की वफात के बाद जब सूरत हाल बनी तो पार्टियाँ जो हैं वो अपने अपने रास्ते में चल पड़ी बदकिस्मती से उन्होंने वो जो कमिटमेंट्स की थी उनको पूरा नहीं किया इसकी वजह से वो सिलसिला जो है वो रुक गया दूसरी बार फिर नबे की दहाई में तो ये बहुत रहा पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग के तख्ते उल्टे मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के तख्ते उल्टे कई बार एक तरह से म्यूज़िकल चेयर गेम ऐसे कहते थे तो उसके बाद फिर उन्होंने सीखा और 2000 के बाद जनरल मुशरफ़ के मार्शाला के बाद उन्होंने कहा कि नहीं आपस में हमें एक रूल्स ऑफ द गेम बनाने चाहिए तो ये 2006 में उनके दरमियान मुजात हुए और 2007 में फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मीसा के जमहूरीत पर दस्खत किए जिस जो दो पार्टियों ने किए लेकिन बाकी सब पार्टियों ने उसको कबूल किया उसके अंदर उन्होंने काफ़ी असलाहत का एक खाका दिया कि ये हम करेंगे अगर हुकूमत आई और हमें एक दूसरे के तख्ते नहीं उलटेंगे यानी कूटा की हिमायत नहीं करेंगे तो ये सिलसिला शुरू हुआ और आपने देखा कि दो के इलेक्शन जब हुए तो उसके बाद इसहात का एक सिलसिला शुरू हुआ और अठारहवीं तरमीम हो गई और दूसरी चीज़ें हो गई और आपने देखा कि पहली बार तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में एक इसम्बली ने अपनी आइनी मियाद पूरी की और उसके बाद दूसरी इसम्बली आई और उसके लिए भी फौज को मुदाखलत नहीं करनी पड़ी यानी एक सिविलकूमत से दूसरी सिविल हकूमत आई जो नवाज शरीफ साहब की हकूत आई लेकिन वो जनेल जनरलों को यह हजम नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसे किया कि क्योंकि अटारनी तरमीम में मैं भी उस कमेटी में शामिल था जिसने ये तरमीम बनाई थी तो उसमें हमने आर्टिकल छः को मजबूत किया था आर्टिकल छः आइन की दिफा का आर्टिकल है जिसके अंदर उन्नीस सौ तिहत्तर में ये लैंग्वेज डाली गई थी कि जो आइन को एब्रोगेट करेगा यानी आइन को ख़त्म करेगा लगव करेगा एब्रोगेशन लग्व करना और दूसरा आइन को अगर वह सबवर्ट करेगा तो ये हाइट रिजन है ये गदारी है तो ये ये कहा गया था लेकिन इसके बावजूद जेवल का मारशाला भी आया और मुशरफ कुमारशाह भी और अदलिया ने कहा कि नए एप्रोकेशन है और नए सब वर्जन है उन्होंने कहा ये सस्पेंड हुआ है तो इसमें हमने ये सारा मुताल किया जो पार्लियामेंटेरियंस थे तो हमने इसमें ये लैंग्वेज भी शामिल की कि जो अगर आइन को सस्पेंड करेगा ये पुरानी लैंग्वेज में ये बढ़ाया हमने कि जो आइन को सस्पेंड करेगा या होल्डिंग इन ए एबियंस यानी उसको एक तरह से मअल रखेगा तो वो भी गद्दारी होगी एक तो ये हमने उसमें डाला दूसरा हमने ये डाला कि पाकिस्तान में किसी अदालत को भी इख्तियार नहीं है कि वह मार्शाला को जायज़ करार दे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकते ये चीज़ें जब आ गईं तो वो जो डायरेक्ट मार्शाला था उसके लिए रास्ता बंद हो गया लेकिन फिर जर्नलों ने एक नया तरीका निकाला ये जो एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट पर सही मामले में है क्योंकि जुडिशरी भी इस केय में शामिल हो गई और उन्होंने जो जर्नेल तख्ते उलटते थे वो काम भी उन्होंने जजों के सपोर्ट किया पहले ये होता था कि जर्नेल तख्ते उलटते थे और जज उसको अपहोल्ड करते थे उसको जायज़ करा देते थे अब ये हुआ कि तख्ता उलटने का काम जो है वो जजों साहिबान ने ले लिया तो आपने देखा दो हज़ार बारह में यूसुफ रजा गिलानी को अजय आप तो दो दो हज़ार बारह में यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया आपने देखा तो ये सिलसिला शुरू हो गया और फिर नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ लेकिन दो हज़ार चौदह से मैं मेरे ख्याल ये ये बात बहुत मेरे ख्याल में अहम है कि हम समझें दो हज़ार चौदह से एक क्रीपिंग कू आया कू लेटा आया पुरानी पार्टियाँ सब जो थी वो आपस में मुताफी अटारवीं तरमीम के कि वक्त किसी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी लेकिन तेरह चौदह पार्टियों ने मिलकर तरमीम की तो एक कंसेंसस पैदा हो गया था तो ये फिर इन्होंने नई पार्टियां ये लोग ले आए एक तो पीटीआई नई पार्टी थी और तायर कादरी साहब को वहाँ वहाँ से कैनेडा से इन्होंने इम्पोर्ट इंप, किया और यहाँ बैठ के यहाँ पर इन्होंने एक कू कू इट वाज ए कू इसलिए मैं कहता हूँ देखे ना ये ये बातें ऐसी नहीं कि, कि किसी से खुदा न खासा दुश्मनी है या किसी से जी कोई तासुब है बात यह कि अगर ये आइन के ख़िलाफ़ है तो उन लोगों पर मुकदमे चलाए हैं जिन्होंने किया है देखे ना ये तो ये तो नहीं अगर आन एक मजाक है तो फिर कानून क्या चलेगा कानून तो सब आइन के नीचे है ना अगर आइन की हैसियत नहीं है तो का, तो अहम बात यह है कि मैं पहली बात यह है कि आज आपने कहा इस्टेबलिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट की वापसी का प्रोग्राम कोई सियासी पार्टी इस पर बात करती है एक पार्टी मुझे बताएं जो कहती हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो निकल जाए सियासत से या जो सियासत में रहे हैं उन पर मुकदमे चलाओ ये कौन कहता है कोई नहीं कहता आज तो कोई नहीं कह कम से कम नहीं कह रहा इस और ये एक पार्टी का, का काम भी नहीं एक पार्टी कर भी नहीं सकती इसके लिए ज़रूरी है कि सियासी पार्टियाँ हम इतिहाद कायम करें जैसे एम आर डी थी या जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाला इतिहाद था एक नया मेरे ख्याल में मेरी नाकिस राय में एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए और देखें ना सियासत में इख्तिलाफ़ होता है अख्तिलाफ़ कोई कबायली दुश्मनी तो नहीं है खुदा न खास्ता ठीक है सियासी अख्तिलाफ है लेकिन वो अंग्रेज में कहते हैं वी कैन एग्री टू डिसएग्री यानी ये जो डिसएग्रीमेंट है इस पर भी, भी हम कहते हैं ठीक है इन चीज़ों पर अतलाफ है जिन चीज़ों पर इतफ़ाक़ है उन पर आगे आके तो मेरे ख्याल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए और ये इलेक्शन से पहले हो तो बहुत अच्छा है और पार्टियाँ कहें कि ये जरनेलों का काम नहीं है वो अपना काम करें जो आइन और कानून में उनका काम है उससे ज़्यादा वो ना करें और ये जो दूसरे उनके काम है उससे भी बदतीज़ उनको देखें ना अब डी एच एज हैं वो अब आप बताएं और कारोबार हैं लेकिन ये पुराने कारोबार तो खेल ये नए कारोबार उनको दे रहे हैं जी आपने देखा वो कहते हैं जरात का कॉरपोरेट कारोबार जो है वो वो फौज संभालेगी तो गुजारिश है ये तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो और काबिज होने जा रही है एक तरह से ये जो दो साल रहे हैं इसमें बदकिस्मती से पीछे जाने के बजाय वो आगे बढ़े हैं तो ये तो लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा देखिए मैं बहुत दानदारी से ये बात कहता हूँ ये मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और हर हर जगह मैं ये कहने को तैयार हूँ पाकिस्तान एक नया मुल्क है ये एम्पायर नहीं है किसी एम्पायर यानी चीन एक मुल्क है तीन हज़ार साल या चार हज़ार साल से एक मुल्क है उसमें कम्युनिज्म आया है उसमें ये निज़ाम आया है वो निज़ाम आया है बादशाह नहीं हैं लेकिन वो एक मुल्क है ये मसलन ईरान है एक ढाई हज़ार साल से फारस या पारस एक मुल्क था और वो पाकिस्तान एक नया मुल्क है इसकी बुनियाद विफाकी जमहूरी आइनी निज़ाम के ऊपर है आप अगर इस आइन को रखेंगे तो ये मुल्क चलेगा अगर आप इस आइन को आप नहीं रखेंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा और ये ऐसी बात नहीं कि हम खुदा न खासा कोई ऐसे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ऐसे होगा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो। हमने देखा है हमारे सामने ये एक का मसला जो हो रहा था मैं मैं पिशावर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटूडेंट फेडरेशन में शामिल था मेरे सामने ये बांग्लादेश का वाक़ हुआ बिल्कुल क्योंकि जनर खान ने कहा कि नहीं जी हम तो इतदार मुंतकिल नहीं करेंगे उन्हें क्या भाई हमने इलेक्शन जीता है और वो उन बंगाली जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था ये पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया पता नहीं आप में से <laughs> किन को ये पता या नहीं है कि सन पैंतालीस दिसंबर में इलेक्शन हुए थे और सन छतालीस की जनवरी में ये इलेक्शन ये मुस्लिम लीग बाकी सारे ये जो सूबे हैं इनमें हार गई थी एक सूबे में जीती थी भरपूर अक्सर वो बंगाल था यानी पाकिस्तान के हक़ में बंगालियों ने वोट दिया था ये ये जो मगर पाकिस्तान के सूबे यहाँ किसी ने अक्सरी कुछ लोगों ने दिए लेकिन अक्सरीती लोगों ने नहीं दिए लेकिन उन जिनने पाकिस्तान बनाया था उन, उनके ऊपर हमला और उनको बहरहाल मेरे ख्याल में ये इस्टेबलिशमेंट और ये अमरीत जो है और ये मुल्क ये एक साथ नहीं चल सकते और हमें ये फैसला करना होगा कि हमें किस का इंतखा करें हम तो मुल्क का इंतखब करेंगे ये अम, अमरीत वाली बात जो है ये मुल्क की जड़ों में बैठ जाएगी और खुदा नख्स्त इस मुल्क को टुकड़े करेगी और हम जिस खिति में रह रहे हैं उसमें बड़े ख़तरनाक हालात हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए ना ये ये जो हमारा मुल्क है ये यहाँ पे न, दो में रिचर्ड हाल आया था अमरीकी जो स्पेशल रिप्रजेंटेटिव था आपको याद होगा वार ऑन टेरर के लिए उनका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था रिचर्ड हाल को मोटा सा आदमी उसने कहा था कि ये एफ पैक है एफ पैक अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक नाम उन्होंने रखा एफ पैक उस किसी ने पूछा कि क्यों ये तो दो मुल्क हैं आप क्यों एफपैक कह रहे हैं उसने कहा बिकॉज इट इज़ वन ऑपरेशन थिएटर वार के लिए जंग के लिए उसने कहा ये एक ऑपरेशन थिएटर दो नहीं है इसलिए एफ पैक तो एफ पैक के एक हिस्से में रियासत ख़त्म हो गई है रियासत कोलेप्स कर गई है अफगानिस्तान में और यहाँ एक तरह से एक फेलिंग स्टेट के मरहले में हम हैं तो इसलिए हम एफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ आन और जमूरीत के बगैर आगे बढ़ें मेरे ख्याल में ये वाइटल है सियासी पार्टियों के लिए कि वो इस मसले पर सोचें और जो उनके आपस के अख्तिला हैं वो बेशक रखें लेकिन ये बड़े मसले के लिए उनमें मेरा ख्याल बातचीत होनी चाहिए और जो मैंने अर्ज किया कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नया बनना चाहिए बिल्कुल सियासी जमातों को फैसला करना पड़ेगा जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान या इस्टबलिशमेंट में उनको चूज़ करना पड़ेगा अब सार साहब मीडिया की हम जब बात करते हैं हम कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो जब भी इस्टैब्लिशमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता है तो मीडिया तो बहुत अच्छी तरह उनके साथ मिल जाता है इमरान खान को जब उन्होंने अभी लॉन्च किया था तो हम देखते थे कि मेन मीडिया पर अभी उनकी कोई एक पार्टी भी एक सीट नहीं थी असेंबली में लेकिन उनको प्राइम टाइम शो के ऊपर उनका इंटरव्यू आता था हामिद मीर के साथ और भी उनके एंकर्स के साथ उसके अलावा हमने देखा 2014 में जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर जो है एक तरह से अटैक किया गया पार्लियामेंट को अटैक किया गया तो मीडिया तो उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहा था तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन तो नहीं हमेशा उसने किया मूविंग फॉरवर्ड आपके ख्याल में क्या मीडिया का रोल होना चाहिए जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो देखिए मेरे मरहूम उस्ताद फरहाद जैदी साहब वो मुस्लिम अखबार में वो एडिटर होते थे उन्होंने मुझे रखा था टेस्ट लेके वो कहते थे कि सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ है उसमें दामन कौन सा है और चोली कौन सा है इसका फ़ैसला वो उस वक्त नहीं कर पाए थे ना भी हो है लेकिन सियासत से मुराद जमहूरीत तो ज़ाहिर सहाफ़त और जमहूत का चोली दामन का साथ है तो अगर जमूरीत मजबूत होगी तो ही सहाफ़त मज़बूत होगी और सहाफ़त मजबूत होगी तो जमूरीत मजबूत होगी जो आपने माजी की मिसाल दी है ना ये बहुत बदकस्मती की बात है और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ टी वी पर भी कर रहा हूँ ये बात कि जो नौ मई को जो कुछ हुआ है ना उसकी सेप्लिंग उसका पौधा लगाया उसको उसका बीज डाला उसका पौधा निकला उसको पानी दिया उसको बड़ा किया उसको दरख्त बनाया इस्टेबलिशमेंट ने ख़ुद लोगों के जहनों में जहर भरा नफ़रत भरी गुस्सा भर दिया कि कहीं तो निकलना है ना गुस्सा वो तो वो उन्होंने जब रास्ते बंद देखे जिधर रास्ता उनको मिला उधर उन्होंने गुस्सा निकाल दिया लेकिन जिन्होंने गुस्सा भरा उन बच्चों में नफ़रत भरी जहर घोला जो जिम्मेदार थे जो मीडिया के डायरेक्टर न्यू डी जी आई दो मुसलसल जो थे वो डायरेक्टर न्यूज उनको हम कहते थे कि डायरेक्टर न्यूज़ हैं तमाम टी वी चैनल्स के क्यों सर साहब ऐसे था आप तो उस वक्त ए आर वाई में थे ना जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो डायरेक्टर न्यूज़ हम कहते थे वो हैं वो सारी न्यूज़ को डायरेक्ट करते थे सारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को डायरेक्ट करते थे तो नजम सेठी ने कह दिया अपने प्रोग्राम में कोई जो भी अपना आर्गूमेंट वो बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशनल करप्शन करती है इस्टेब्लिशमेंट इस एक लफ्ज़ पे उनके खिलाफ उन्होंने मुझे कहा कार्रवाई करें मैंने कहा एप्लीकेशन देंगे तो कार्रवाई होगी ऐसे बगैर किसी शिकायत आए कि हम कैसे कार्रवाई आपके फोन कॉल पे कर दें नजम सेठी पे मुझ पे मीर रहमान पे सताईस शहरों में एफ आई आर दर्ज करवाई नामालूम अफराद ने गद्दारी की बगावत की और पत, म्यूट और पत्नी क्या क्या हम पे दफात लगवाई हम वो भुगतते रहे कई साल तक मैं पैमरा से निकल गया तब भी वो एफ आई आर भुगतता रहा सिर्फ एक लफ्ज़ कहने पे तो लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं कुछ टीवी चैनल्स ने हम सब की तस्वीरें लगा के गद्दार हैं काफिर हैं मुल्क दुश्मन हैं फलाने से मिले हुए हैं ये सारा प्रोपेगेंडा किया तो उन्होंने टारगेट सिर्फ ये नहीं था कि इमरान साहब को लाना इमरान ख़ान को लाना है टारगेट ये था कि जो कोई भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सवाल उठाएगा उसको भी टारगेट करना है तो वो जो खौफ उस वक्त फैला और दूसरी साइड जो शेयर हुई वो इतनी शेयर हुई कि उन्होंने जाके कोर कमांडर का घर जला दिया और दूसरी जो इंस्टॉलेशन थी उन पे हमला किया ये अब मुझे ये बताया जाए कि आपने उन वर्कर्स को तो गिरफ़्तार कर लिया उनको सजा भी शायद दे देंगे जो भी कर लेंगे लेकिन जो मास्टर थे पीछे जिन्होंने ये सब कुछ किया जिन्होंने मीडिया को इस्तेमाल किया और मीडिया टाइकून उसमें शामिल हैं अब वही मीडिया टाइकूनस जो ग्लॉरीफाई कर रहे थे इमरान खान को और जो कह रहे थे इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं और मेरे जैसे तजिया कार जो बैठ के इमरान खान को चढ़ाते थे और जो एंकर्स चढ़ाते थे उनको आज वही एंकर्स आज वही तजिया नगार आज वही मीडिया टाइकूस इमरान के खिलाफ बोल रहे हैं इमरान के खिलाफ बात कर रहे हैं उसको उस पर तनकीद कर रहे हैं ना कोई शर्म ना कोई हया तो मैं तो टीवी पे भी पूछा है उनसे जो मेरे साथ बैठते हैं कि भाई आप कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे फट जाएगा इमरान खान तो इनकलाब ले आएगा ये कर देगा अब आप उसका नाम भी नहीं लेते अब आप उसको कह रहे हैं कि उसने गलत किया नौ मई को तो पहले आप उकसाते रहे मीडिया जब वो कर बैठे हैं तो अब मीडिया जो है उनके खिलाफ काम कर रहा है तो ये जो मीडिया का अपने आप को रजा काराना तौर पे पेश करना है ना कि मैं टूल हूँ मुझे इस्तेमाल किया जाए ये जब तक नहीं ख़त्म होगा और प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है रिसेंट फ्यूचर में बल्कि डिस्टेंट फ्यूचर में भी मुझे नहीं नजर आ रही जिस तरह के टी वी चैनल्स के जो मालिकान हैं और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो डिजिटल मीडिया में शायद कुछ चीज़ें हों जो बेहतर हो सकें वरना तो जो मैनू नोट बखा मेरा मूड बने ये मीडिया का हमारे का हाल है और जो मालिकान को पैसा चाहिए उनको जहाँ से पैसा मिलेगा जहाँ से इश्तहार मिलेगा इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं कर रही कि प्राइवेट सेक्टर से इश्हार आएँ ज़्यादा इश्तहार आते हैं हुकूमत की तरफ से तो हुकूमत और हुकूमत के इदारे जो कुछ कहेंगे जैसे माशी एक, एक एम्पायर का जिक्र किया है अफरा से आप खटक साहब ने यह मीडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है आपको अंदाजा नहीं है कि मीडिया को उनके उन वहाँ से जो प्रोडक्ट बनती है उनके कितने इश्तहार आते हैं और फिर उनका इन्फ्लुएंस कितना है प्राइवेट uh, uh, जो इवन मल्टीनेशनल कंपनीज पे कि आपने किस चैनल को बिज़नेस कम करना है किसको ज़्यादा करना है यहाँ तक मैनेज होते हैं एडवर्टीज़मेंट uh, जो है टीवी चैनल्स को जाती है इसीलिए बहुत सारे चैनल्स ने बहुत कमाया पिछले दौर में और और, इस, और इसी बात पे कमाया लेकिन ज़ाहिर उसमें काम का नुकसान हुआ जो भी हुआ अब ये तो एक डिजिटल मीडिया देखें इट्स गुड एंड बैड बोथ जैसे हर मीडियम में होता है शुरू में होता है अब आप उसमें फेक न्यूज़ भी बहुत है उस उसमें चेक कोई नहीं है दोनों तरफ ही चेक कोई नहीं है। अगर फ्रीडम आप इन्जॉय करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाती है जो सच आपका कहीं और नहीं चलेगा वो डिजिटल मीडिया के जरिए चल जाता है मैं मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो किसी न्यूज़पेपर ने नहीं छापी मेरे आर्टिकल कुछ पिछले कुछ महीनों में आए हैं लेकिन एक वेबसाइट है पाकिस्तान ट्वेंटी फोर वो भी मेरे जैसा ही है बेचारा उसका भी कुछ टेक पे नहीं है उसने प्रिंट कर दिया वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए इसी तरह कुछ आ, कुछ आ, आ, अभी नया दौर पे एक इंटरव्यू था मेरा और उससे पहले भी थे दो दो तीन बिल्कुल अन जो uh, होते हैं विलागर्स या uh, जो यूट्यूब uh, पे कर रहे हैं प्रोग्राम्स उनको मैंने दिया है कुछ बातें मैंने ऐसी कही हैं जो बहुत वायरल हुई हैं लेकिन मेनस्ट्री मीडिया पे नहीं चलती अभी भी समा पे मुझे कभी माइक बंद कर देते हैं कभी वो uh, सेंसर कर देते हैं चीज़ें निकाल देते हैं बीच में से तो ये तो है डिजिटल मीडिया एक ब्लैसिंग एज वेल एज इट्स अ कर्स कर्स सेंस में कि जब आप फेक न्यूज़ फैलाना शुरू करते हैं उसमें तो वो फैल जाती है वो फिर आप जाके डिनाए जितनी मर्जी मेरे ऊपर जो मर्ज़ी आप इल्ज़ाम लगा के चला दें वो चल जाएगा तो फिर मैं किस किस को जाके सफाई पेश करूँगा कुफर और गद्दारी के फ़तवे लग जाते हैं या पुरेज हूद भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं मैं अपनी जवानी से देख रहा हैं इन पर ग्दारी और कुफर के फतवे अभी अभी भी माशाल्लाह ये जवान है और बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन अभी भी लग रहे हैं इन पे फतवे वही जो आज से तीस साल पहले मैं मुस्लिम अखबार में जब मैं इस्लामाबाद आया था और मैंने जॉब शुरू की थी तब भी इन पे फतवे लगते थे आज भी आज पिछले दिनों भी लगा आप पे एक आपको याद ही नहीं आप पिछले बेपरवाह हो गई तो ये 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 जो है ना ये भी एक सोशल मीडिया का नुकसान भी है तो ये कैसे होगा ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं डिजिटल मीडिया के आ, क्या शेप लेता है मुझे इससे तकलीफ़ तकलीफ़ी तौर पे भी हुई है मेरी फैमिली को भी तकलीफ़ हुई है मेरी माँ को भी तकलीफ़ हुई है जिस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं जिस तरह की गालियाँ पड़ती हैं जिस तरह के आपके झूठी खबरें फैलाई जाती हैं लेकिन ज़ाहिर है इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं वो कैसे एक बैलेंस होता है आप अभी तो अमेरिका में भी मीडिया का जो हाल है और डिजिटल मीडिया भी जिस तरह यूज़ हो रहा है तो वहाँ अभी कुछ नहीं हो सका तो यहाँ तो ज़ाहिर है अभी थोड़ा टाइम लगेगा चलिए हम उम्मीद करते हैं लेकिन थोड़ी डिफाइंस तो मौजूद है विद टाइम लोगों को खुद भी पता चलेगा कि फेक न्यूज़ क्या है मिस इंफॉर्मेशन क्या है तो वो ख़ुद डिस्टिंग्विश कर सकेंगे ईमान यू हैव बिन वर्किंग विद द फैमिलीज़ ऑफ मिसिंग पर्सनस और बलोज स्टूडेंट्स जो हैं जो अपने वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिडन एरियाज हैं उनको छोड़ के इस्लामाबाद में लाहौर में आते हैं पढ़ने के लिए उनको फिर अब कर लिया जाता है आप उनके केसेस को प्रसू करती हैं तो उसके बारे में क्योंकि बिल्कुल मेन स्ट्रीम में बात नहीं होती उसके बारे में उसकी वो पूरी क्या सिचुएशन है उसके बारे में और डू द कोर्ट्स हेयर जब उनके केसेस uh, uh, जाते हैं वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है कोर्ट्स की तरफ से इंटरेस्टिंग um, बात यह कि जब बलोच तलबा का मसला इधर इस्लामाबाद में पिछले साल 2022 में शुरू हुआ था तो उस वक्त मीडिया कवरेज सिर्फ़ उस वक्त मिली थी, थी फर्स्ट मार्च 2022 को जब बलोच तलबा पर तीन दफ़ा चार्ज हुआ था उसके बाद जाकर मीडिया ने ऐसे कवरेज दी थी जब एफआईआर हम सब पे दर्ज हुआ था फिर टीवी शोज़ ने पिकअप करना शुरू किया कि इधर तो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है हफीज़ बलोच लापता है उसके बाद बी अगर इमदाद फ़िरोज़ बलोच तमाम जो मतलब जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर से बच्चे रोज़ उठाए जा रहे हैं कोर्ट्स में आई थिंक क्योंकि जब चीफ जस्टिस अतिह मिनल्ला थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत प्रो एक्टिव रोल लेती थी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से सो बलोच तलबा को सुना भी गया था इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्शंस गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डायरेक्शंस गई थी एक कमीशन बनाया गया था पहले सादिक सिंधरानी की सरबराही में और फिर अख्तर मैंगल साहब की सरबराही में जिसमें अफ़रा साहब खटिक साहब भी थे और उस कमीशन ने एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की है अदालत में तो मुझे तो बहुत उम्मीद है अभी ये जस्टिस कियानी साहब के सामने लगा हुआ है नाइनटीन सितंबर को और उधर उन्होंने पिछली समाहत पे ये डायरेक्शंस दी थी कि जो 69 नाइन बिलो स्टूडेंट्स की लिस्ट हमने फराम की थी उस कमीशन को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी कि उस लिस्ट में जो अभी तक 59 स्टूडेंट्स हैं जो लापता हैं सिर्फ पिछले साल से 2022 से यानी उसमें इस साल के केसेस इंक्लूडेड नहीं हैं उन तमाम बच्चों की जो इन्फॉमेसन है कि क्या उनके खिलाफ कोई चार्जेस हैं या उन्हें ट्रेस करने के लिए क्या एफ़र्ट्स किए गए हैं बट आई थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को इससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी डोरे और डिफैक्टों की कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को ये रिकगनाइज़ करना होगा जब चीफ एग्जीक्यूटिव ख़ुद आकर कह रहे हैं आईनी अदालतों में कि हम इसका सोलूशन uh, आपको देंगे हम इन लोगों को बाजियाब करेंगे और वो नहीं कर पा रहे तो फिर अदालतों को उन लोगों को तलब करना चाहिए जो असल में अगवाकार हैं बिकॉज अदरवाइज हम इसी तरह सर्कल्स में जाते रहते हैं और कोई रिलीफ नहीं मिलती और जो लोग अगवा करते हैं उनके लिए इम्प्यूनिटी होती है तो जब तक ये रेकग्निशन नहीं आएगी फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आई डोंट थिंक कि ये चेंज हो सकता है ठीक है थैंक यू मेरे और भी सवाल हैं लेकिन मैं ऑडियंस की तरफ आती हूँ अगर किसी का कोई जी जी मेरा नाम मुस्लिम हुसैन है और मेरा त्लुक तो जो है वो पारा चिनार से है तो मैं यहाँ पे आया भी इसलिए आया था कि यहाँ पे मैं पारा चिनार के हवाले से कुछ जो हमारी जो राय है ग़लत राय उसको मैं क्लियर करता जाऊँ मेरा सवाल नहीं है लेकिन मैं इनपुट देना चाहता हूँ वो ये है कि जो फाटक के जो दो इलाके हैं वजीरिस्तान और पारा चिनार ये ऐसे इलाके हैं जो ये मैं जर्नलिस्ट के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ तक जब वजीस्तान से कोई बात आती है तो वह दहशतगर्दी में कन्वर्ट हो जाती है यानी अगर कोई लीगल बात भी हो वहाँ पे कोई जुल्म भी हो रहा हो तो यहाँ पे आने गर्दी में वो दहशतगर्दी में कन्वर्ट हो जाती हैं इसी तरह पारा की जब बात करें तो पारा में भी अगर कोई वहाँ पे जुल्म भी हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो चाहे बाहर से मुदात हो रही हो या तालिबान वहाँ पर कोई अटैक कर रहा हो तो यहाँ तक आने में वो सेक्टीरियन वायलेंस में या सेक्टेरियन बातों में वो उलझ जाते हैं इस वजह से ख़बर आने तक यहाँ पे जो मीडिया वाले हैं वो भी उस बात को उसी तरह नहीं लेते हमारे लिए ये बदकिस्मती बत, है अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो वहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के सामने अभी भी एहत हो रहा है मुसीबत यह है कि पारा चिनार की को उस तरह नहीं उठाया जा रहा और दूसरी बात ये आप अभी भी देख लेना कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे होगी या वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट होगा कितना कवरेज उसको मीडिया देगी हमारे लिए ये बदकिस्मती है मैं कहता हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को देख लें यहाँ पे पनामा की रिप, वो रिपोर्टिंग तो यहाँ पे आ जाती है लेकिन यहाँ से आपका कितना दूर है पारा चना कितना दूर है आप क्यों इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करते उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती और ऐसे ऐसे मैंने कुछ क्लिप्स अभी भी देखे हैं सुबु सैद के एक क्लिप था टी सी एम को उसने दिया था बिल्कुल वो पैरल चल रहे हैं मतलब कोई उसमें विक्टम भी नजर नहीं आ रहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं किसकी बात नहीं कर रहे मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को हाईलाइट करें और दूसरी बात कोई भी अगर ट्रेंड चले ट्विटर पे या कहीं पे भी तो इवन बहुत सी सहाफ़ियों को मैंने देखा है कि वो उसको इग्नोर कर लेते हैं आप उसको कम से कम देखा करें कि आगे क्या होने वाला है ये आखिरी सवाल मैं ये अफरा सयाब हटक से कम ये सवाल करूँगा कि आप पारा चिनार की इश्यूज़ को किस तरह देखते हैं अभी भी आप पारा चिनार की बात आई तो मुझे लगता है कि उसमें एक सेक्टेरियन एलिमेंट नज़र आता है लोगों को तो उस वजह से उस चीज़ को बाईपास कर लेते हैं ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती है हम वहाँ पर मर रहे हैं असल कहानी लोगों को पता नहीं अगर किसी को मतलब है ये कह रहे हैं कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आप हमारे साथ जाएँ मैं आपके लिए तैयार हूँ वहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको दे दूँगा आप सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर लें थैंक यू अच्छा इस पर मैं एक कमेंट ये कर लूँ कि जो आप आपने आप सही कहा कि सहाफ़ियों को जाना चाहिए ग्राउंड पे रिपोर्ट करना चाहिए लेकिन वहाँ पर एक ये भी होता है कि अगर आपकी मीडिया आउटलेट जो है उसके फौज से अच्छे तल्लक आते हैं तो फिर आपको एक्सेस मिल जाती है क्योंकि तो उन एरियाज़ को कंट्रोल सिक्योरिटी फोसेस करती हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया के अंदर कि वो जाकर करें लेकिन एक्सेस मिलना जो है वो एक मुश्किल बात होती है तो खटक साहब आप कॉमेंट इस पर अगर कर सकें तो बिल्कुल जी जी ये भाई कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे बात यह है कि क्रम एजेंसी में बहुत तो तो यानी पारा शिनार पर हमले होते रहे हैं माजी में लश्करशियाँ होती रही हैं और ये एक तरह से रियासत उनको तहफु देने में नाकाम रही है और अभी भी जो वाक़ हैं इसका इस तरह से देश उसको दहशत गर्दी से जोड़ना या फिर कवरियत से इस तरह हम नहीं जो हम तो कहते हैं कि रियासत जो है वो नाकाम रही है कि वो वहाँ पर जो मसला ज़मीन का झगड़ा अगर दो फरीकों के दरमियान है तो उसका हल कौन करेगा अकवा मुत तो नहीं आएगी ना वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर है या जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनका काम है कि वो जाके वहाँ बताएं भाई या उनको अदालत बुलाएं और उसके लिए फ़ैसला करें लेकिन वो फैसला नहीं करते लेकिन ये जो जरगा अभी आया है जिसने अभी जंगबंदी कराई है ये दो हफ्ते इंतज़ार क्यों उसने किया ये यानी ये तो पहले दिन किया जा सकता था ना अगर वो करना चाहते तो ये जो बीच में खुद हुई है वह न होती और इतने बारी हथियार इस्तेमाल हुए हैं और वहाँ पे और, और ये भी थोड़ी सी बहुत यानी सवाल बनता है देखिए ना ईद के दिन वहाँ वजीर अजम वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ बहुत और अफसर वहाँ गए और ईद वहाँ पर फौजियों के साथ मनाई वो अच्छी बात है अपनी फौजियों के साथ ईद मनाई तो वो आपकी फोर्स हैं उनको तस्री देना ज़रूरी है लेकिन यू जो बाहर चौनी के बाहर लोग हैं उनके बारे में क्या आपका क्या ख्याल है यानी वो वजूद उनका है या नहीं है अगर है तो थोड़ा सा उनका भी पूछे ना ये कैसे मैं मान सकता हूँ कि इतना बड़ा तनाज़ा चल रहा था और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को पता नहीं था कि यहाँ पर हालात ख़राब हैं और झगड़ा होने वाला है और वजीर अजम साहब बताते लेकिन नहीं चूँकि वो तो यानी ये या आपकी बात ठीक है कि ये पेरेफरी जो है पेरेफरी ये शुरू में मैंने कहा पता नहीं आप तशरीफ रखते थे या नहीं मैंने शुरू में कहा कि इन, ये पेरेफरी है इसको डाल दिया गया है कि बस तशद होता रहेगा और एक तरह से इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है सलामकुम मेरा स्पेशली क्वेश्चन है अफराज साहब खटक साहब से कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में है इफ़ रिफ्लेक्ट बैक टू नाइनटीन कि किस तरह बंगाल में मुक्ति बाहिनी ज़ाये एंड एक वॉर हुई और जो एक सियासी अदम इसकाम पाकिस्तान में उस टाइम पे भी था और किस तरह पाकिस्तान सेवेंटी वन की वॉर हारा मेरे ख्याल में ये कसूर आपकी स्टैब्लिशमेंट का ही है तो इस वक्त जो सिचुएशन हालात बन गए हैं जिस तरह पारा चनार में या बलूचिस्तान में या गवादर में क्योंकि मैं खुद गवादर में रह के आया हूँ और जो सिचुएशन बन गई और उसी तरह यही सेम सियासी सियासीदम इसकाम है इधर आपके फेडरल में कोई कह रहा है इलेक्शन होने चाहिए कोई कह रहा है नहीं होने चाहिए पीडीएम के भी अब सब सामने आ रहे हैं एंड वट हैपन टू आफ्टर नाइन मई तो क्या ये को मेरे ख़्याल में एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है इस पर मैं चाहता हूँ कि आया कि ये वही हालात हैं कि कहीं ये वापस 1971 तो नहीं रिपीट हो रहा और सेकेंडली मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ये लोगो है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मीडिया इन पाकिस्तान क्या ये जो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है जो इस वक्त पिछले पचहत्तर साल से चलता आ रहा है मेरा तो ये मानना है कि शायद ये लोकल या एक आम आदमी के फेवर में है ही नहीं शायद इस पूरे सिस्टम को चेंज होना चाहिए इस पर आपका जी प्लीज़ जी मैंने तो आप तवज्जो पता नहीं आपने सुना मैंने तो काफ़ी इस पर रोशनी डाली है मेरे मेरी नाकिस राय में ये जब ये टाइटल है मतलब कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं फ्यूचर ऑफ़ पाकिस्तान क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया ना पाकिस्तान का फ्यूचर डेमोक्रेसी से इस तरह से वाबस्ता है किसी और मुल्क का इस तरह नहीं है किसी भी दुनिया में किसी जिस तरह इस मुल्क का है क्योंकि इसकी बुनियाद जो है एक नए मुल्क के तौर पर रखी गई है और ये कहा गया कि एक मसकिनंट में इंडिया में मेजारटेरियन टेरनी से बचने के लिए एक मुल्क हम बनाने जा रहे हैं और उसकी बुनियाद जमहूरी होगी इसका मतलब एक मेजॉरिटेरियन टेरनी नहीं होगी कोई टेरनी नहीं होगी यानी ये मुल्क बना इसलिए था यानी इसका अगर खुदा न खास्ता ये मकसद नाकाम हो जाता है तो फिर इस मुल्क का क्या जवाब रह जाता है कि टेरनी का खात्मा मसला एक दफ़ा चंद साल पहले मेरा ख्याल है दो हज़ार आठ में एक दफा मैं दिल्ली गया था जे न्यू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया था किसी सेमिनार वगैरह तो वहाँ लोगों को पता तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया एक पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पे एक लेक्चर के लिए तो मैंने बात की मैंने कहा कि उन्होंने सवाल पूछे कि कैसे होगा ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कैसे होगा मैंने कहा कि सन सैंतालीस में जब तकसीम हो रही थी तो जो सारे बड़े प्लेयर्स थे जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग और ब्रिटिश एम्पायर ये तीन बड़े फरीक थे इसके अलावा भी पार्टियाँ थी और भी तो सब ने कहा कि ये लोग एक साथ नहीं रह सकते और पार्टीशन मुल्क जो हिंदुस्तान जो है उसको तकसीम करें तो तकसीम हो गया मैंने कहा अब आप सवाल पूछ रहे हैं उस वक्त में रख लग मैंने कहा पैंसठ या अठासठ साल हो गए थे मैंने कहा अठासठ साल के बाद आप ये पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा मैंने कहा कि अगर आप अठासठ साल की तारीख पर नज़र डालें तो उसमें जंगें हुई हैं चार जंगें अगर कारगिल को भी पूरा तो चार जंगें हुई हैं और असलहे की रेस असलहे की दौड़ और गरीब करोड़ों हिंदुस्तान में भी हैं करोड़ों पाकिस्तान में भी हैं सारे पैसे लगाते रहे हम टैंकों और जहाज़ों पे तो उस वक्त तो ये कहते थे कि एक साथ नहीं रह सकते इसलिए तकसीम करो मैंने कहा अब तो सवाल ये है कि अकेले अकेले भी नहीं रह सकते Where do we go from here? We couldn't live together, we were partitioned. Now we can't live even separately. वेयर डू यी गो फ्राम तो अब तो कोई तो असल बात यह है कि किस तरह से रहना असल सवाल तो ये है तो मे, मेरी गुजारिश है कि एकत्र की बात जो है वो मैंने इसलिए की कि मसला जो है बड़ा मसला जनरल शाही और भी बहुत सारे मसले हैं एक मसला नहीं है लेकिन लेकिन जो बड़ा मसला है कलीदी मसला जैसे कहते हैं की प्रॉब्लम कलीदी मसला वो जरनेल शाही है क्योंकि देखे ना ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है इसमें एक रंगा रंगी है तनवो है और ये तनवो इसकी ताकत है इसकी कमज़ोरी नहीं है अगर आप तनवो को रिकगनाइज़ करेंगे तो आपको कसरत में वहदत नज़र आएगी इकट इतफाक़ की तरफ लोग जाएंगे देखें ना त्रहतर का आइन कैसे बना कैसे शदीद अख्तलाफात थे यानी नेशनल आवमी पार्टी की हुकूमतें बलोचिस्तान में तोड़ी गई और पुख्तूख्वा सूबे में जमीतलम और नैब का एहतियात उन्होंने इस्तीफा दिया इसके बावजूद आइन पर सब इकट्ठे हो गए पर उन्होंने कहा कि आइन तो सबका है इस तो ये फिर तनबों को आप रिकग्नाइज करेंगे तो इतफाक है गया अगर आप तनबों को रिजेक्ट करेंगे उसको नेगेटिवली प्रोवोक करेंगे तो डिवीज़न आएगा और जो जो हमने देखा मैंने कहा एकत्र में हमने देखा कि वो डिवीज़न किस तरह से आया और किस तरह से वो सारा और लोगों ने भी उसे फ़ायदा उठाया तो ये जमहूरीत के मुस्तबिल की बात जब हम करते हैं असल में हम पाकिस्तान की मुस्कबिल की बात करते हैं ये ये जिस तरह का मुल्क है उसमें जमहूरीत को अमरीत ऑप्शन नहीं है देखे ना ये जनलों को ये बात समझनी चाहिए देखें ना ये तो उनके ट्रेनर होते हैं वो तीन साल या चार साल या पाँच साल या एक्सटेंशन करके छः साल लेकिन वो फिर चले जाते हैं फिर उनका एड्रेस भी मिलना मुश्किल हो जाए कि कहाँ कहाँ चले गए लेकिन हमने तो यहाँ रहना है ना जो तो ये हम उनसे उनको बताएं कि अमरीत जो है वो ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के डिक्डरशिप ऑप्शन नहीं है

जी शुरू में मैंने ये अर्ज़ किया मैंने तीन पेरेफरीज़ की बात की पेरेफरी ज़मनी इलाके ऐसे इलाके जिनको नज़रअंदाज़ किया गया है एक्सक्लूड किया गया है मार्जिनलाइज किया गया है तो वो मैंने कहा बलुचिस्तान है ये जो पख्तूनख्वा के ये जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्स हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान ये मैंने तीन ऐसे इलाके बताए कि जिनको एक्सक्लूड किया गया है एक्सक्लूजन जो है वो मुल्क की बुनियादों को दीमक की तरह चाटता है क्योंकि जो एक्सक्लूड हो जाते हैं ना तो वो तो फिर वो कहते हैं देखिए ना जो आइन है एक तरह से ये मिसाक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो फरीकों के दरमियान है एक जो हुकुमरान हैं और एक अवाम है लेकिन अगर हुक्मरान उस मिसाक को नहीं मानेंगे तो यह माहे को नहीं मानेंगे तो ये जो लोग हैं काम लोग वो कब तक मानेंगे एक साल दो साल पाँच साल दस साल बीस साल लेकिन आखिर मौके भाई ठीक है आप नहीं माते तो आप अपना काम करें हम अपना काम करते हैं तो ये एक तरह से इसलिए मैंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि आइनी निज़ाम जमहूरी निज़ाम सबकी की शमूलियत से निज़ाम ही इस मुल्क को बचा सकता है एटम बम नहीं बचा सकता एटम बम ये बहुत बड़ी गलत फहमी है एटम बम मुल्क को बचा सकते हैं सवियत यूनियन जब टूटा उसके पास इतने एटम बम थे कि उनके पास रखने की जगह नहीं थी स्टोरों में इतने ज़्यादा एटम बम थे लेकिन पंद्रह टुकड़े उसके हो गए वो रोक सका ए, उसको तो ये असल मसला है कि असलहों से मुल्क नहीं चलते मजबूत नहीं होते जमहूरीत से आइन से और आवाम की यकजहती से उनके इतिहास से होते हैं शॉर्ट रखें ताकि सबको मौका मिल सके वालेकुम गुलाम अर्तज़ा राइट्स uh, एक्टिविस्ट uh, मेरा सवाल भी अफराज सियाब साहब से है सर जो आपने गुफ्तु की वो बहुत अच्छी है आपने एक सोलूशन भी दिया कि शायद हमारी जो इस वक्त की जमहूरीत है उसको शायद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है तो बात आइडियली कंसेपचुअली हमें बड़ी अच्छी लग रही है कि ये बहुत अच्छी बात है लेकिन ज़मीनी हक़ाक हमें इस तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे मेरे जहन में एक दूसरी ऑप्शन आ रही है शायद आप लोगों को पसंद ना आए कि अगर हम इस बात पर इतफा कर लें जैसे मगरब ने हमारी डेमोक्रेसी को रेट किया है और वो हमें कहते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिड डेमोक्रेसी है हम अभी भी फोर पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो है हमें रेटिंग मिल रही है तो हम अगर इस बात पर इतफा कर लें कि हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी है तो हम कुछ रोल उनको दे देते हैं कुछ खुद कर लेते हैं तो ताकि कम से कम हम काम तो कर सकें हमारा सिस्टम तो चल सके यानी बजाय इसके कि हम जो है वो एक जैसे कहते हैं ना आ, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि, कि करना क्या है ना तो एक जो होपलेसनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस पे आपका ब्रीफ सा कमेंट दूसरा मेरा सार आलम साहब से एक सवाल है सर आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तु की आपने मसाइल मीडिया के भी बयान किए मुझे भी कुछ मीडिया की ट्रेनिंग्स करने का मौका मिला तो जो एक चैलेंज मीडिया के वर्कर्स के साथ जो सामने आया कि सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने ये बताया अपने लिए कि हमारे मीडिया के अंदर पेशा वराना माहौल नहीं है ये सबसे बड़ा चैलेंज है तो आप सर कैसे देखते हैं कि जो हमारी सहाफती तंजीमें हैं पी एफ यू जे इनका रोल कहाँ खड़ा है ये क, ये कितनी एफर्ट्स कर रही हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या फ्रीडम ऑफ प्रेस को बहाल करने के हवाले से इनके रोल को भी तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी में लाना चाहिए बहुत शुक्रिया आप पहले चलें अफ्रत साहब खटक साहब थोड़ा सा सांस लेना चाह रहे हैं तो मैं लेकिन मेरा मख्तसर जो आप होगा आपने जो बात पूछी है कि वो ओती तंजीमें कहाँ हैं वो प्लाटों की फ़ाइलें बेच रहे हैं खरीद रहे हैं ये मैं मजाक नहीं कर रहा ये हकीकत है और बड़ी तलख हकीकत है हम सब प्रॉपर्टी डीलर हैं आधा मुल्क प्रॉपर्टी डीलर है आधा मुल्क, मुल्क प्लाट खरीदने के ख़रीद रहा है आधा बेच रहा है और उसमें मेरे सहाफ़ी भाई भी शामिल हो चुके हैं अब और यहाँ पे वो सब कुछ वही कुछ कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी डीलर करते हैं ज़्यादा लोगों को भी एक एक फाइल बेच देते हैं फिर झगड़े चल रहे हैं फिर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं और फिर उन पर कब्ज़े हो रहे हैं फिर अपने नाम पर अपने बच्चों के नाम पर अपने के नाम पर प्लाटिंग कर रहे हैं तो वो जर्नलिस्ट राइट्स पे अब काम नहीं कर रहे बदकिस्मती से वो प्रॉपर्टी राइट्स पे काम कर रहे हैं थैंक यू वहाँ पर एक सवाल है पहले एककुम ले ले मेरा नाम परवेज अली है और मैं सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ यहाँ पर जर्नलिज़म की तालीम हासिल की और इस वक्त जर्नलिज्म कर रहा हूँ सर मेरा एक बेसिक सा सवाल है 2002 से लेके या 2000 जब से ये पैमरा बना है और या मुख्तलफ जो हमारे आ, इदारे हैं इस मुल्क को हम लोग जिस तरीके से समझते हैं ये एक कसीरकौमी रियासत है जिसमें मुख्तलिफ कौमें जिस तरीके से आपने डिफाइन किया कि यहाँ पर ऐसे इलाके हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है तो दो हज़ार पूरे जो दो हज़ार वो चल रहा था साल उससे बलूचिस्तान में पहला सरियाब रोड से एक वाक़ इनफोर्स डिसअपियरेंस का जो है वो रूनुमा होता है अकबर नामी बंदे का आज तक वो बंदा अपने घर नहीं लौटा सही है आ, और अब्दुल्ला जमालदीनी आप ही से आप ही के दोस्त थे आप ही आप ही की तरह जो है वो भी बोलना चाहते थे और वो उनको भी शौक़ था लिखने का उनके ऊपर कितने मजालिम हुए उनके ऊपर किस तरीके से जो है कतगने लगाई गई और मेरा बेसिक सा सवाल ये है कि अगर आ, हमारे मुल्क के जो मुक़दस इदारे हैं जिनको हम मुकद्दस कहते हैं सही है अगर वो चाहते हैं कि उनको जो है फ़ायदा पहुँचे और उनको तकलीफ़ ना पहुँचे तो वो बलूचिस्तान फाटा या मुल्क के दूसरे अजला में अपनी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं लेकिन यहाँ पर पारा चुनार में आप देखें इन्होंने पिछले जो है कितने अरसे से ये कोई नाइन्टीज़ के दौर का वाक़ चल रहा है जिनको इन्होंने लैंड डिस्प्यूट्स का नाम दिया हुआ है या इनको मजहबी मजहबी अकली जो है फ़िरका वाराना निज़ाम में इन लोगों ने लपेटा हुआ है ये मेरे मुताबिक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है अगर ये चाह अगर इनके ऊपर वार होता तो वहां पर भी लॉ की इंप्लीमेंटेशन होती वहां पर भी जो है लोगों को हकूक मिलते और वहां पर भी पीस होता जिस तरीके से इन्होंने एक आ, टी सी एम के इंटरव्यू को कोट किया सही है आ, तो उस इंटरव्यू के अंदर आ, जो वो पैनलिस्ट थे हमारे उन्होंने भी ये जुमला कहा था कि वहां पर अगर जो है लैंड डिस्प्यूट है या वहां पर अगर जे, आप उसको देखें कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर लोग लड़ रहे हैं तो वहाँ पे जंग पहले से खत्म हो जाती क्योंकि इतना अरसा लैंड डिस्प्यूट नहीं चलता इतना अरसा मजहब नहीं चलता सवाल जी सवाल भी अपना करें कमेंट के अलावा सवाल ही किया है मैं वही बता रहा हूँ मैं अपनी राय बता रहा हूँ इस हवाले से कि ये जो आज पारा चुनार का मसला चल रहा है या बलूचिस्तान का चल रहा है ना इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं हमारी स्टेब्लिशमेंट यहाँ पे रोल क्यों अदा नहीं कर रही बेसिक मेरा यही सवाल है खटक साहब ये वाला भी और उससे पहले वाला जो हाइब्रिड रजीम के बारे में था वो भी आप आंसर कर दें साथ ही दोनों जी बिल्कुल जो हमारे दोस्त ने पूछा है कि हम काम कैसे चलाएं यानी ये वो उनकी इस बात में वजन है कि मसलन हम कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनना चाहिए और इस्टेबलमेंट को सियासत से निकालना चाहिए लेकिन ये तो जाहिर रातों रात नहीं होगा तो उस वक्त तक क्या होगा हम पहुंचेंगे कैसे बात ये, ये एक रैशनल बात है मनतकी बात है बिल्कुल माकूल बात है लेकिन गुजारिश ये कि मैंने जो अर्ज़ किया चार्टर ऑफ़ डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि आप एक राह मुतान करें अब ज़ाहिर है कि वो एक रात में तो इंप्लीमेंट नहीं होगी जैसे एम ने की थी जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब बना था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि दो में कि ये अगले महीने इस तरह होना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें इख्तियार मिला तो हम ऐसे करेंगे कमिटमेंट एक उन्होंने की मैं तो ये तजवीज़ कर रहा हूँ कि कमिटमेंट होनी चाहिए ज़ाहिर है कि ये और ये ये भी बात भी याद रखें कि ये आसान नहीं होगा देखिए ना इतने बड़े मफाद माशी मफादा एम्पायर और सियासी इख्तियार जो कमांडिंग हाइट्स हैं स्टेट की उसके ऊपर बैठे हुए हैं तो इससे नीचे उतरना उनको इसे कायल करना कि भाई ये गलत बात है कानूनी बात नहीं है आप उतर आएँ और वो खुश खुश दौड़ती हुई आएगी ऐसा नहीं होगा मैं समझता हूँ इसके लिए जमहूरी तहरीक की ज़रूरत होगी अवाम निकलेंगे जदोजहद करेंगे तो तब होगा लेकिन वो तो एक प्रोसेस है मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ लेकिन शुरू तो यहाँ से हो सकते है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कि जो पार्टीज़ है जैसे 2007 में हुआ था और 2007 के नतज़ आपने देखे ये जो 2008 के इंतबात थे जो जो एटीनथ अमेंडमेंट जो आ, यानी एटीनथ अमेंडमेंट का नाम लोगों ने सुना है लेकिन एक आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुई एक आर्टिकल्स यानी वन थर्ड आइन का वन थर्ड है ये आइन के बनने के बाद सबसे बड़ी असलाहत थी तो ये उसके नतयज थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अगर वो ना होता तो ये नहीं हो सकते थे तो इसलिए मैं हूँ कि आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया जाए जिसमें लेकिन असल बात इम्तहान सियासी पार्टियों का भी है वो ये है कि वो अपने अख्लाफात को कबायली जंग या जतीी जंग या इंतकाम की जंग बनाना चाहती हैं याम या के हकूक़ की जंग अगर आवाम के हकूक़ की जंग है तो उसमें कोई भी इख्तिलाफ उस इतना बड़ा नहीं है कि लोग आपस में बैठ नहीं सकते बदकस्मती जो बात है लोग बैठने के, के लिए तैयार नहीं ना सियासत में तो उस तरह नहीं होता ना कि आप कहें कि नहीं नहीं जी मैं तो नहीं बात आपसे करता या बस जर्नेलों से बात करने को तो तैयार हूँ लेकिन फ़लां पार्टी या फलां पार्टी से नहीं कहता इस तरह नहीं होता ये ए, ए, एक पार्टी कर नहीं सकती और हमने और कौन सी पार्टियाँ जी ये सारी पा अब तो एक भी ऐसी पार्टी नहीं जो इकतदार में नहीं रही हो जो इकतदार में रही हैं इम्तहान दे चुके हैं जी हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया है तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो ये ये सवाल था पारा के बारे में मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया ये मसला जो है उसमें यानी ज़मीन का से शुरू हुआ लेकिन ज़्यादा कि ज़मीन का नहीं है और ये आपने ठीक बात कही कि पसरा ये पहली बार तो नहीं है कि पाराचिनार में जंग हुई है ये तो जंगें तो मैंने भी शुरू में कहा कि पारा चीनार पर हमले हुए हैं लश्कर कशियाँ होती रही हैं ये मैंने अर्ज किया और मैंने कहा कि यह गलत रियासती पॉलिसियाँ हैं जिस तरह से ये सारी जी जिस तरह से हम अफगान जंग में उलझ गए हैं जिस तरह से यानी अफगान में होने वाली जंग को जिस तरह से अंदर खींच लिया है हमारी सिक्योरिटी इस्टेबलिशमेंट ने इन्होंने उसको एक तरह से ये, ये कैसे यानी अमरीकी ने इसलाह छोड़ा अफगानिस्तान में और वह इसह पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है ये कैसे हुआ देखिए ना हम कहते हैं एहतसाब हो फ, फ साहब का एहतार हो फ़लाँ का हो इनका क्यों एहतिस नहीं हो वो क्यों नहीं जवाब दें इसका कि भाई ये कैसे आ, ए टी टी पी आ गए और कैसे असलहे आ गए मुल्क के अंदर अमरीकी लेटेस्ट असला जो हमारी पुलिस के पास नहीं है पुख्तूवा की पुलिस बड़ी बहादुर पुलिस है बड़ी कुरबानियाँ उन्होंने दी हैं बड़े शहीद हैं उनके यानी मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ ज़ाती तौर पे मैं जानता था बहुत से लोग दुख होता है उनको याद करके लेकिन ये कि उन उन बेचारों के पास क्या है जिस तरह का असल ये लोग लाए हैं वहाँ से उसका हमारी पुलिस का तो काम नहीं है और और ये रोज़ाना और, और ये जो यानी अफगानिस्तान में जो तालिबान प्रोजेक्ट है उससे भी हाथ निकालने को तैयार नहीं है और यहाँ भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं उनसे हम बात करेंगे लेकिन एक तरह से दो साल से तो ये सिलसिला चलने के लिए पता नहीं कितने साल और चलेगा तो पारा चिनार भी और वजीरस्तान भी और मोहम्मद भी और बाजोड़ भी और औरगजई एजेंसी भी और जो मालाखंड डिवीज़न है यहाँ सबको ये यह मसला जो है दरपेश है और पूरे पखतनख्वापुर और ये भी ये पाकिस्तान का मसला है आखिर में देखें ना ऐसे नहीं होगा ये दरिया सिंध इंडस क्या ये इस जंग को रोक सकते यहाँ आने से नहीं रोक सकता खुदा न खास पूरे मुल्क में फैल जाएगी ये जंग दि, पिछली दफ़ा नहीं हो तो कराची नहीं पहुँचे थी ये जंग कराची में भत्ते लोग नहीं लेते थे अब देखें ना अब पिशावर में मैं आपको बताऊँ पिशावर के लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसी कि मुश्किल में है यानी आदमी है उसको पैगाम आया कि इतने करोड़ रुपया आप ले आए आप नहीं लाते तो अगले दिन उसके घर के गेट पे धमाका होता है और कहते हैं कि इस दफा धमाका बाहर हुआ अगला धमाका घर के अंदर होगा और आप, आप इतने और स्टेट जो है वो तमाशा देख रहे हो हज़ारों लोगों के साथ ही और ऐसा नहीं कि एक दो या पाँच आदमी हज़ारों लोगों के साथ तो एक रियासत दो रियासतें एक न्याम में दो तलवारें तो नहीं चल सकती ना नियाम में एक तलवार होती है ना एक मुल्क के अंदर एक रिया लेकिन अगर आप ये भी रियासत हो लेकिन एक तो हमारी अपने पहली डिजोर और डिफेक्टो की बात हमने की कि वो पहले इस्लामाबाद में भी डिजोर फिर लेकिन ये तो एक और रियासत है जो टैक्स लेती है जी लेकिन रियासत क्या करती है जी अमन कायम करती है टैक्स लेती है बुनियादी फ़राज़ रियासत की ये है तो पुख्तनख्वा में ये डिफेक्टो डी डिजोरे हमारी जो रियासत है इसके अलावा एक तीसरी रियासत है तो तीन रियासतें आप एक रियासत के अंदर कितनी वक्त तक संभालेंगे ये नहीं हो सकता आपको फौरी तौर पर आपको पॉलिसी और पॉलिसी की कभी है देखिए ना ये, ये टे 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 टेर्रजम एक्सट्रीमिज़्म सारी दुनिया में हो होता है लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ये जो एक्सट्रीमिज्म है मिलिटेंसी है ये हमारे सिस्टम के अंदर चली गई थी देखिए ना हम एक तरह से जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे भागते हैं जो जो प्रोडक्ट्स हैं देखो जो कारखाने हैं उनको बंद नहीं करते देखिए ना जो जो नेशनल एक्शन प्लान था जो पेशावर में वाक़ हुआ स्कूल का उसके बाद 2014 दिसंबर मुझे याद है 24 दिसंबर 2014 हज़ार आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई मैं भी उसमें शरीक था और मैं उस कमेटी में भी, भी था जिसने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और जब ये प्लान बना चौधरी निसार अली खान साहब उसकी कमेटी के सदर थे तो जब पहली मीटिंग से पहले मैंने उनको थोड़ा सा रोका और मैंने उनसे कहा मैंने कहा चौधरी साहब आप अफगान पॉलिसी तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे उन्होंने कहा क्यों मैंने कहा अगर आप अफ़गान पॉलिसी तब्दील करेंगे तो फिर आप टेर्रज़म के खिलाफ एक स्टैंड ले सकते हैं कैंपेन चला सकते हैं और एक अमल कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी अफगान पॉलिसी पुरानी है तो टेर्रजम तो अब पे आपकी ज़रूरत है क्योंकि अफगानिस्तान में जंग करवानी होगी तो फिर ये कैसे होगा उसने कहा कि नहीं ये पॉलिसी तब्दील होगी उसने कहा कि वजे अजम और मैं गए थे हमने फौज से बात किए वग़ैरह लेकिन ये कि आपने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान बना उस पर अमल नहीं हुआ क्यों अमल नहीं वो कौन ये अमल ये नहीं ये तो नहीं करना था ना लेकिन क्योंकि ये अफगानिस्तान में दोबारा ये जंगें लड़ना चाहते थे देखिए ना मैं आपको ये बताऊँ ये ये पी टी एम के खिलाफ क्यों इतनी कैंपेन चलाई क्या था पी टी एम ये जो लोग कबाइली हिराकों के लोग हैं उनको पता है कि इन्हें पहचानते हैं एक दूसरे को मंजूर पश्तीन अली वज़ीर मोहसिन दावर ये हमारे सामने बड़े हुए हैं हमारे बच्चों की तरह हैं लेकिन उनके खिलाफ ऐसी क्योंकि ये जो पाकिस्तानी रियासत थी और उसके मगरबी इतिहादी इनके पास टाइम टेबल था तालिबान को अफगानिस्तान में लाने का जब यौ रिपीटी में खुद रोत तहरीक शुरू हुई वो मजालिम हुए जो जातियाँ हुई उसके खिलाफ लेकिन जब ये शुरू हुई तो उनको डर ये था कि ये कहीं ये मुजातमत अफगानिस्तान में न चली जाए क्योंकि ये तालिबान को ला रहे थे उन्होंने कहा कि तालिबान के खिलाफ अफगान अवाम खड़े हो गए क्योंकि ये फाटा पहले ऐसे था कि फाटा एक ड्राई वुड एक खुश्क लकड़ी थी अफगानिस्तान एक आ, आ, बफर स्टेट था बफर स्टेट की माने आप जानती है नहीं एक हायल एक दीवार के जो किसी चीज़ को रोके रूस और रशियन एम्पायर और बरतानवी एम्पायर के दरमियान फिर सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के और अमेरिका के दरमियान एक बफर स्टेट था फाटा एक एडिशनल बफर था इजाफी बफर था इसका काम यह था कि ये पॉलिटिकल करंट्स रोके इसको एक खुश लकड़ी की तरह रखा गया था तो अमार अमीर मन खान की असलाहत इधर नहीं आई और बादशाह खान की असलाहत उस तरफ नहीं गई क्योंकि बीच में ये नान कंडक्टर था ये, ये जो फाटा था अब ये नान कंडक्टर नहीं रहा इट्स इट्स नॉट ये अब एक ऐसी लकड़ी है जो करंट पास करती है तो अब अगर मीरन शाह में मुजाहरा होता है तो होश में भी मुजाहरा होता है तो इसलिए इन्होंने इप, इप, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये जो पॉलिसियाँ हैं अफगानिस्तान की जंग में उस तरह शिरकत की और और ये जंग मगरब की जंग थी मगरब ने अपनी जंग लड़वाई हमसे हमारे कंधे पे बंदूक तो ये पॉलिसी जो है इन सब चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि बहुत हो गया है और इस पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है अलकुम असलकुम uh, आप तीनों का यानी uh, मैं, मैं बड़ा फ़ैन हूँ माशा अपनी अपनी खास तौर पर खटक साहब जो है माशा बीस बाईस साल सेनेट में उन्होंने सर्व किया ईमान इज़ एक्सेप्शनल अफसार भाई इज़ एक्सेप्शनल मेरा तीनों से एक एक सवाल है एक तो ये खटक साहब से सवाल है ए एन पी की जो आपने ऊपर लिखे लिखा हुआ है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी तो आपका आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़ आ रही है मेरी तो एन की डेमोक्रेसी में यह चीज़ लिखी हुई है कि बाचा खान की औलाद ही उसकी पार्टी को कमांड करेगी हमेशा से पहला सवाल दूसरा आप सार भाई से सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि पैमरा में जो आपकी सिलेक्शन हुई थी तो वो मेरिट पे हुई थी और वो ठीक हुई थी और ईमान से सवाल है कि आप जिस तरह मिसिंग पर्सन के लिए बहुत वोकल हैं तो जो लैंड ग्रेबर्स हैं या फ्यूडर्स हैं तो क्या इनके लिए भी आप इतनी वोकल हैं या आप कोई फ्यूचर में कोई प्लान रखती हैं कि उनके लिए भी बात करें थैंक यू खटक साहब के बारे में मैं ये पहले बता दूं कि वो एन में अब नहीं है वो उनका आपको पता होगा तो लेकिन आप जवाब देते दे पहले <laughs> जी मेरी सिलेक्शन तो मेरिट पे नहीं हुई थी इसको तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया जिसको जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी सुप्रीम कोर्ट ने पाँच साल बाद वो अपील लगाई और पाँच मिनट में उसको उठा के बाहर फेंक दिया तो मैं तो सर्टिफाइड कोर्ट से नाहल हूँ तो इसलिए आपका आपको इसकी इतला होनी चाहिए थी मुझसे फैसला करवाएंगे मेरे मेरिट का तो ये तो इंसाफ नहीं है मेरे ख़िलाफ़ तो कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फिर भी आप पूछ रहे हैं जी आप, आप <laughs> <laughs> मैं आप मैं देखें नहीं नहीं ठीक है आप आपका पॉइंट ठीक है कि मैं अपने बारे में क्या कहता तो मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा जज आप लोग हैं बेहतर मैं तो नहीं ना मेरी परफॉर्मेंस का मैं खुद तो नहीं टेस्ट करूँगा ना मैंने दो साल वहाँ लगाए मेरे से पहले वाले देख लें मेरे से बाद वाले देख लें आपको जो पसंद है वो ले लें मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आप उठा के देख लें मेरे बाद वाले का भी उठा के देख लें मेरे से पहले वालों का पुलिस वाले थे ब्यूरोक्रेट्स थे एक ही मीडिया पर्सन था और जो लॉ है वो ये कहता है कि मीडिया का तजर्बा होना चाहिए पैमरा चेयरमैन का तो आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें कौन था कौन था मीडिया से स्फाई मेरे तो अगर आप समझते हैं कि मैं पैमरा के लिए फिट नहीं था तो फिर मुझे कोर कमांडर रावल भिंडी लगवा दें <laughs> क्या ख्याल है <laughs> देखें मैं या बलोचिस्तान लगवा दें वहाँ कवर वहाँ तो रोज़ाना ही कोई ना कोई नया हंगामा हो रहा है उससे तो बेहतर परफॉर्म कर लूँगा जिसको नमूने को यहाँ से भेजा है लगवा के देखें मेरिट की बात ही है ना फिर मीडिया वाले को आपने मीडिया पर काम पर नहीं लगाना तो लगा दें कोर्कमांडर बलोचिस्तान इतने तो वहाँ अटैक हुए पिछले दो महीनों में क्या कर रहा है वहाँ का कोर कमांडर पूछना चाहिए ना वहाँ उनसे भी लेकिन वहाँ हम उनसे नहीं पूछ सकते आप मुझे पिछले छः साल से पूछ रहे हैं आप जैसे लोग छः साल बाहर बैठा हूँ दो साल पैमरा की जॉब की मेरिट था या नहीं था मेरा पच्चीस साल का एक्सपीरियंस है मीडिया का मैं हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हूँ ठीक है लेकिन मीडिया ने मेरे खिलाफ क्या किया इसलिए कि मैं पॉकेट में नहीं था आईएसआई की और आईएसपीआर की ये मेरा कसूर है आज स्टेब्लिशमेंट के साथ भी खड़ा होता उस वक्त भी आज भी, आज भी किसी पे होता छह साल बेरोजगारी उठाई सुने डी जी आई एस आई को रिफ्यूज किया लोगों को देख के थोड़ी सी है। सुन, सुन लें थैंक आप यू आपने नहीं आपका ही ख्याल है ना मैं उस मीडिया का हिस्सा सेठ मीडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जिसमें मैंने आपको बताया शुरू में पता नहीं आप थे कि नहीं थे कि जो प्रॉपर्टी डीलर जो स्मगलर जो पैसा लेके आ रहे हैं मेरे लिए मुश्किल है कि मैं वहाँ अपनी जुबान अभी भी मैं जो काम कर रहा हूँ मैं मैं मीडिया का हिस्सा नहीं पार्ट टाइम जॉब है मेरी क्योंकि मैंने किचन चलाना है छः साल बेरोजगारी उठाई है कातलाना हमला हुआ गद्दारी के पर्चे सत्ताईस मैंने पहले बता दिए कैमरा चेयरमैन जब मैं बाहर निकला हूँ मैं सिर्फ मैं सिर्फ ट्वीट कर सकता था किसी अखबार में मुझे नहीं लिखने दिया गया टी आर टी टर्किश जो है उसके लिए एनालिस्टों ने मुझे हायर किया मेरा एक सिर्फ गया है ऑन एयर उसके बाद आई एस पी आर ने, ने, ने कहा अगर आपने यहाँ टी आर टी चलाना है इसको हटा दें आइंदा इसको ना लें ये इस तरह गुजारा कि जितनी सेविंग की थी आ, पिछले तीस साल में सारी लगा दी तो अभी भी मैं इधर ही हूँ मैं अभी भी अपनी आवाज़ नहीं बंद करता जो मेरे दिल में आता कह देता हूँ वहाँ भी टी वी भी और बाहर भी यहाँ भी वो दो साल मैं इसलिए गया हूँ कि मैं मायूस हो गया हूँ पाकिस्तान के मीडिया से और मैंने सोचा मैं शायद वहाँ जाके कुछ आ, बेहतर कर सकूँ और कोई जुर्म नहीं है ये यह हमारे यहाँ जुर्म बना दिया गया है एक क्या मीडिया कोई माफिया है कि जिसमें से मैं नहीं निकल सकता और मेरी डोली अब उस घर गई है तो वहाँ से लाश निकलेगी मशर की औरत की तरह ये मुनासिब नहीं है मीडिया एक प्रोफेशन है इसको प्रोफेशन रहने दें नौकरी है मैं एक सेठ की नौकरी से उस सेट की जो स्मगलर है पहले रह चुका कश्तियों में सोना स्मगल कर रहा है वो मेरा बॉस है उससे बेहतर मैं सरकार का बॉस टैक्स पेयर के मैंने सैलरी ली है ना मैंने टैक्स पे भी तो किया इस मुल्क को तीस साल अगर मैंने दो साल टैक्स पेयर की सैलरी ली है तो मैं जवाब दे हूँ उन दो सालों का मैं देता हूँ अभी भी आपको जवाब दे रहा हूँ ना छः साल से बाहर बैठा हूँ आज भी जवाब दे रहा हूँ किस लिए क्योंकि मैं आंसरेबल समझता हूँ अपने आप को और मुझे देना चाहिए जवाब लेकिन ये जुर्म नहीं है मीडिया के बंदे का आ, आ, दो साल चेयरमैन रहना और वापस बेशक मीडिया में आ जाना लेकिन आप ये भी देखिएगा कि सौ बंदे मीडिया के हकूमतों में गए हैं आज भी बैठे हैं इमरान खान के साथ भी थे सिर्फ मैं तनकीद का निशाना क्यों बनता हूँ हमेशा सोचिएगा सिर्फ एक वजह है कि मैंने इस्टेबलिशमेंट के गैर आइनी गैर कानूनी अहकाम को नहीं माना मैं उनकी पॉकेट में नहीं था मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं पॉकेट में नहीं था और तो तो इसीलिए मेरे खिलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा होता है और कोई वजह नहीं बनना यहाँ हुसैन अकानीस भी हैं मलिहा लोधी भी हैं मुशाहिद हुसैनस भी हैं फाउद हुसैनस भी हैं बहुत नाम हैं बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन कभी आप नहीं सुनेंगे सिर्फ मैं उर्दू मीडियम हूँ जी वहाँ पीछे आप कर दें पहले वो काफ़ी देर से आप खुल के पहले सवाल पूछ लें आपने इंसनीशन किया है तो सवाल भी खुल के पूछ लें मैं खुल के जवाब दे दूंगी नहीं क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं जो हर वक्त ये प्रोपेगेंडा ट्विटर पर भी मैं देख रही हूँ तो एक दफ़ा खुल के सवाल कर लें मैं खुल के जवाब दे देती हूँ क्या मैं क्या मैं लैंड रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती हूँ जी मेरी पोजिशन इस पर बहुत क्लियर है क्या मैं कब्ज़ा माफिया को अपोज करती हूँ मेरी पोजिशन इस पर बिल्कुल क्लियर है आप उन्होंने जो सवाल आपसे किया था फाजा खान के बारे में, 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 में आपने जो बात की वह तो ए, एनपी से नहीं हूं अभी मे, मेरा ताल्लुक नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट से है मोसेन दावर उसके चेयरपर्सन हैं और एनपी के सवाल आप एनपी से पूछ रहे हैं उनके लोग मौजूद हैं अस्सलाम वालिकॉम अस्सलाम वालिकॉम अच्छा सर मेरा सवाल ये है कि यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद अठारहवीं तरमीम आई तो क्या इस तरह ये पार्टियाँ मिल के कोई ऐसी को, को माहिदा कर सकते हैं कि हम अपने रिलीजन को स्टेट से अलग कर दें और दूसरा सवाल ये है कि बीस साल बाद साउथ एशियन स्टेट और अरबिक स्टेट जो है क्या वो अपनी हैसियत बरकरार रख पाएंगे बीस साल बाद असलम मेरा नाम शमसुल इस्लाम है और मेरा ताल रोब बलूचिस्तान से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ सर आ मेरा क्वेश्चन आपसे सर आपने आपसे जो हाउस ने क्वेश्चन पूछा कि जो डीप स्टेट के यहाँ पे इनलमेंट है पॉलिटिक्स में और दीगर जो इस तरह की तो सर आपने उसका जवाब न्यू चार्टर ऑफ़ डेमोक्रेसी के मतलब सर आपने कहा कि हम ये एक हल हो सकता है सर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे वो लोग है कौन वो वही पार्लियामेंटेरियंस है जो हमने भेजे वहाँ पे पार्लियामेंट में आ, आवाम के मैंडेट से बेटे लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो उनके साथ फॉर पॉलिसी का वो नहीं होता इख्तियार आ, इंडिया के साथ रिलेशन वो आ, वो नहीं कर सकता दीगर जो डीप स्टेट्स आ, है वो उनके हाथ में नहीं होते तो हम आ, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम फिर उम्मीद किससे लगाएंगे कि वो तो ख़ुद उनके ही कंट्रोल में मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही वही है तो सर मेरी मैं काउंटर करूंगा आपकी इस तजवीज़ को और मैं अपना एक तजवीज़ सर आपके सामने पेश करूंगा उस पर आप मैं राय मैं आपसे लेगा सर क्या इस तरह के अगर पाकिस्तान में नॉन पार्लिमेंटरी कोई स्ट्रगल स्टार्ट की जाए सर तो वो उससे अच्छा नहीं होगा क्या नॉन पार्लिमेंटरी स्ट्रगल्स डेमोक्रेसी के बजाय अगर एक नॉन पार्लियामेंट्री स्ट्रगल हो तो वो आ, कैसी रहेगी गुजारिश ये है, है कि वो जो वहाँ हमारे दोस्त ने उधर से पूछा था उसमें जाहिर है कि जब लोग बैठेंगे तो मुख्तलिफ्याल के लोग बैठेंगे और जैसे अठारहवीं थरवीं में हुआ था जिन चीज़ों पर इतफ़ाक हो गया था वही उसमें शामिल होंगे जाहिर है कि पार्टियों की राय मुख्तलफ होगी किसी की पार्टी की राय ये होगी किसी की दूसरी होगी तो मैं समझता हूँ कि उसका फ़ैसला हम यहाँ अभी नहीं कर सकते उसको तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए पार्टियाँ आपस में बैठेंगी तो ये फैसला लेकिन कोई भी फैसला करे कर सकती हैं ये ऐसे उन पर कोई कैद नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अगर पूरे मुल्क की पार्टियाँ इकट्ठी हों जैसे एम थी या जैसे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बनाने वाले दो की पार्टियाँ थी तो ये अभी भी एक, एक बैस खुला ऑप्शन है उनके पास ये जो हमारे नौजवान ने पूछा है गुजारिश है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के बगैर तो इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे मुल्क में जैसे मैंने कहा अगर आपने इन चीज़ों को नाफिस करना है यानी जो जो प्रोग्राम आप तय करते हैं इतफाक़ करते हैं जिस प्रोग्राम पे तो उसको आइन में डालेंगे आइन में कौन डालेगा आइन में तो सारे पार्लियामेंट ही डालेगी लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में होंगे नहीं तो फिर कैसे आप उस, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे दूसरा एक ऑप्शन ज़ाहिर है कि यह हो सकता है बाद मुल्कों में हुआ लोगों ने इनकलाबाद किए जैसे सब एटूनियन में इनकलाब आया था या जैसे बाज़ और मुल्कों में एक वक्त में चीन में इनकलाब आया क्यूबा में इनकलाब आए उन्होंने पुरानी रियासत को ख़त्म किया और एक नई रियासत की बुनियाद उन्होंने रखी जिसके लिए उन्होंने उनके पास एक प्रोग्राम था एक पार्टियाँ थीं या पाकिस्तान के हालात में मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आता इसलिए कि ये एक ऐसा मुल्क है डाइवर्स टी, इसमें बहुत है और ऐसी सियासी क़वत जो है वो मौजूद नहीं है कि वो जो पूरे मुल्क को मोबाइज़ करे एक नुकते पे और कहे कि ये जो आइन पुराने का या जो भी था ये ख़त्म करते हैं एक नया आइन हम बनाते हैं और उसके लिए एक नई पार्लियामेंट बनाते हैं वगैरह लेकिन उसके रिवोल्यूशनरी पार्टी जो पूरे मुल्क में मौजूद मु� हो वो वो होनी चाहिए वो यहाँ पे है नहीं तो ये जो पार्टियां हैं इन्हीं से हमने काम काम चलाया है जो मौजूद हैं क्योंकि हम इंपोर्ट तो नहीं कर सकते बाहर से तो किसी को नहीं बुला सकते ना ये जो पार्टियाँ मुल्क के अंदर हैं अच्छी बुरी कमज़ोर ताकतवर लेकिन यही पार्टियां हैं और इनके ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे और जैसे मैंने कहा कि अगर ये दो हज़ार चौदह में ये कु सिलसिला ना होता तो मेरे मेरे ख्याल में मेरी ना कि सर में आई मे बी रॉन्ग लेकिन मुल्क चल पड़ा था हमें ये नहीं कि उसकूमत से हम ये कहते कि वो एस सी एस ठीक हुकूमत थी और ची लेकिन मुल्क एक तरफ रवाना हो गया था चलने लगा था लेकिन उसको डिरेल किया गया मेरे ख्याल में डिरेल किया गया दो हज़ार ग्यारह दो हज़ार चौदह दो हज़ार अठारह ये बड़े ऐसे वाक़ात हैं तो इस ये अगर ना होते तो मुल्क चल सकता था मुल्क शायद ये जो आज है ये ये सूरत ना होती दिवालिया ना होता मुल्क इस तरह की तकसीम ना होता मुल्क लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसलिए मैंने शुरू में ये कहा कि जिन्होंने ये कू किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इसलिए कि अगर ये ना होगी तो फिर तो देखिए नए नए सिलसिले शुरू हो जाएंगे और ये बहुत अहम बात है कि खूस जो सीनियर क्यादत इस्टेबलिशमेंट है वो अगर डिपोलिटिस ना हुए तो फिर तुझे नया आर्मी चीफ कैसे बनेगा ये इस्तीफा जो हंगामा हुआ इस तरह के हंगामे आप एफोर्ड कर सकते ये मुल्क एफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता आपको यानी ये ये तो देखें ना ये तो सरकारी महकमा है उसके अंदर तब्दीलियाँ होंगी रिटायर्ड होंगे तरक्याँ होंगी सारे महकमों में होती हैं तो ये तो लेकिन हर दफ़ा इसके लिए मुल्क जो है सारा हो होगा तो ये तो नहीं होगा इसीलिए ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो ज़रूरी है लेकिन तरीका जो है वो पार्लियामेंट किस, किस, से बाहर नहीं हो सकता पार्लियामेंट के बगैर ये कार्रवाई नहीं हो सकती ठीक है बस कमेंट कमेंट ना करें जवाब उन्होंने दे दिया आपका uh, जी आप अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अयूब खान है एंड आई बिलोंग फ्रॉम बलूचिस्तान फ्रॉम आर डिस्ट्रिक्ट वेयर आई हैव एक्सपीरियंस टू मिलिट्री ऑपरेशंस एंड द थर्ड इज हैपनिंग राइट नाउ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरीफाइड डिसअपीयर स्टूडेंट एज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि इट्स नाउ अ कॉमन प्रैक्टिस इन बलूचिस्तान सर मेरा कोश्चन फ्राम मैम ईमान मजारी साहबा क्योंकि शी इज़ हैंडलिंग दिस इश्यू ऑफ बलोचिस्तान वन अ वेरी गुड वे सो मेरा सवाल यहाँ पे ये यह है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रही है स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्योंकि uh, uh, जब हम यहाँ से कोटा जाते हैं तो वी आर नॉट क्वेश्चनाइज कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं जब वहाँ से आते हैं तो हमारी शक्लों को ही देख करके वो पूछते हैं कि आप पंजाब में कुछ गलत करने जा रहे हो तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है माई क्वेश्चन कि क्या ये एक इथनीसिटी uh, के बेस पे हो रही है या देयर इज समथिंग एल्स एज वेल और क्या आप समझती है कि इसमें हमारे वो नुमाइंदे भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जिनको हम पार्लियामेंट में बेचते हैं या इसकी जिम्मेवार सिर्फ़ ये जर्नल्स है आई थिंक ये एथनिक है और ऑबियसली इसका एक तारीखी context है कि क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बलूचिस्तान पर काबिज़ रहा है हमने कभी उन्हें ये नहीं इस तरह नहीं ट्रीट किया कि वो फेडरेशन का हिस्सा हैं हमने हमेशा ट्रीट किया जिस तरह इसराइल पैलेस्टाइन है या इंडिया और आक्यूपाइड कश्मीर है सो वही ताल्लुक हमारा बलोचिस्तान से और इसलिए डिस्क्रमिनेशन भी है और ओप्रेशन भी है आ, दूसरी जो आपने बात की कि क्या वो नुमाइंदे भी इसके जिम्मेदार हैं जिन्हें आप इलेक्ट करते हैं तो मेरा इस पर सवाल सबसे पहले होगा कि क्या आप उन्हें इलेक्ट करते हैं क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ और जितनी मेरी इंटरेक्शन इंक्रीज़ हुई है उधर पिछले एक साल में Uh, जो मालूम मुझे मिली है वो यही है कि uh, जिस तरह पूरे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं उसी तरह इनफैक्ट उससे और एक्सटेंड uh, तक बलोचिस्तान में होते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक कि कॉम्प्रोमाइज़ेस किए जाते हैं uh, इधर जो सियासतदान हैं बलोचस्तान के सिर्फ वही हो सकते हैं uh, या मेनली वही हो सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हैं uh, या जो इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर चलते हैं दो सवालों का हमारे पास और टाइम है यहाँ फ्रंट रो से ले लें वो काफ़ी देर जी सर ये जो डेमोक्रेसी कंसेंसस का नाम है और हर पार्टी में फैसला जो ले रहा है वो एक लीडर ले रहा है ना हर पार्टी मतलब ऑटोक्रेटिक उससे चल रही है तो इस तरह एक पार्टी को मतलब एक बंदे को इस्टेबलिशमेंट इजीडी उसके मफदाद की वजह से कंट्रोल करती है तो इस तरह अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर भी लें तो उसका क्या फ़ायदा होगा और मतलब सिर्फ इलेक्शन का क्या फायदा होगा जब फ्रीडम ना ना हो ना हो राइट्स दूसरा सवाल भी कर लें आप अच्छा अच्छा मेरे मेरा एक दो क्वेश्चन इससे आलम साहब से एक तो ये है कि इसने जो अभी बात की कि मैं ये पैमरा इसलिए गया कि मैं कुछ रिफॉर्म लेके आऊँ तो इसने काफ़ी करीब से देखा होगा तो मेरा सवाल ये है कि फ्यूचर में कोई चांसेस है कि जो हमारी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम जो जर्नलिस्ट आते हैं या जो भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं वो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो फरिश्ते हैं लेकिन मैक्सिमम वही सोर्स यूज़ होते हैं मिस की प्रोपिगेंडा की तो अगर आप एक चैनल पे ये मतलब जो इशू फाटा में चल रहे है या बलोचिस्तान में चल रहे है, वो आप हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों की माइक बंद कर दी जाती है तो सोशल मीडिया के और भी अकाउंट है आप वहाँ पर क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे उनको आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिपेंड करें उनको आप हाईलाइट क्यों नहीं करें अगर ह्यूमन एक्टिविस्ट इनको हाईलाइट कर सकती है वो भी इस मुल्क में रह रहे तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते और दो सवाल मेरे ये से हटक साहब से एक तो ये कि अभी जो रिसर्जन हो रही है टाइम नहीं है एक रिसर्जन हो रही है फाटा में या बलूचिस्तान में तो क्या ये स्टेट एज टेक्टिक यूज़ कर रही है कि अपकमिंग जो इलेक्शन है उसमें पोलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए और इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है ना वो मुतासर हो जाए और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि पिछले जो इलेक्शन हो गए इसमें एन को दीवार से लगाने के लिए एज आ यूज़ किया तो अगर ये एजा टिकटिक यूज़ कर रहे तो फिर इसमें कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मुतासर होगी क्योंकि करंटली अगर हम देखें तो सारी पार्टी जो है ना वो हुकूमत का भी हिस्सा है और जो ये जिनात जिनको मैं कह रहा हूँ उनका आ, मतलब थोड़ी करीब भी है तो इसमें कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मुतासर होगी देखिए आपके दो सवाल थे ना एक तो ये कि मीडिया बेहतर हो सकता कि नहीं हो सकता और दूसरा था कि आपके जो इश्यूज़ हैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दें तो मैंने इसका पहले आप जब मैंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे उसमें मैंने तफसील से बता दिया था कि फोकस नहीं है मीडिया का और आ, आ, हमारे वो न्यूज़ रूम में एक अजीब सा वर्ड है लेकिन इतना अजीब भी नहीं है मेरा खाला यूज़ कर लेना चाहिए वो ऑल एडल्ट सेक्सी न्यूज़ नहीं है तो वो जब न्यूज़ इस तरह की ना हो बिकती नहीं है तो फिर वो दिखती भी नहीं है तो बिकने की चीज़ मैं आपको एक मेरा फैसलाबाद का मैं नाम नहीं लेता उस एम एन ए का सबक एम एन ए अब वो उसने मुझे शिकायत की जी कि देखें एक दफ़ा मैं वैसे वैसे शिकायत की कि मैं मीडिया में से मेरा ताल्लुक है तो उसने कहा कि आप लोगों की डिमांड होती है कि 200 बंदा हो कम से कम अगर कवरेज लेनी है दो सौ बंदा हो सड़क उसने बंद की हुई हो टायरों को आग लगाई हुई हो कैमरा मैन के पाँच हज़ार रिपोर्टर के दस हज़ार और अगर डी जी एस एन जी भी मंगवानी है तो पंद्रह हज़ार तब जाके आपकी कवरेज होगी ये मैं एक शहर की बात करूँ जितने छोटे शहर हैं ये करप्शन जो है ना ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है मीडिया भी इसका हिस्सा है आप मीडिया को आइसोलेट करके देखेंगे ना कि ये आइलैंड ऑफ वर्च्यू हो जाए इन एन ओशन ऑफ करप्शन नॉट पॉसिबल हमारे अंदर एम्पथी नहीं है मीडिया के अंदर सोसाइटी के अंदर भी नहीं है मीडिया के अंदर भी नहीं है तो आपकी जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे फोकस करना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का ही काम नहीं है मीडिया का भी है लेकिन सियासतदानों का भी है जब आपकी पोलिटिकल लीडरशिप इस पर नहीं आगे बढ़ती तो फिर मीडिया भी कोई इनिशियटिव नहीं ले पाता ले भी तो मैंने बताया कि वो क्यों लें उनको रेटिंग नहीं मिलती रेटिंग मिलने वाली कोई चीज़ होगी तो शायद ले लें तो इसलिए मेरा ख्याल मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे दिया जो पहला सवाल है आपका उसमें ये देखें मुझे मेरा जो एक एक्सपीरियंस है मैं उसकी बुनियाद पे ये कह रहा हूँ मैंने सारी ज़िंदगी मीडिया में गुजारी है और अब मैं आउट ऑफ मेरिट कैमरा में भी गया जैसे कि मेरे भाई ने कहा लेकिन इतना शुक्र है कि जब निकला हूँ तो लोगों ने सारे पैमरा ने मुझे रोते हुए रुखसत किया दुआएं देकर और उनकी दुआओं से शायद मैं बचाऊँ मैंने इतना काम किया वहाँ पे रिफॉर्म्स का आपने जिक्र किया रिफ़ॉर्म्स भी की बहुत रिफॉर्म्स की लेकिन ज़ाहिर है एक मैंने फिर बताया कि ये सिस्टम है पूरा और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कोई मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा गलत बात नहीं करूँगा बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ठीक हो सकता है इसका एक ही तरीका है कि पूरी कौम का फोकस बदल जाए हमारा फोकस इस वक्त पूरी कौम का फोकस क्या है बकवास करना गालियाँ निकालना इल्ज़ाम लगाना किसी न किसी को कोई ना कोई तनस का निशाना बनाना कि मैं बड़े महजब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा करूँ मीडिया पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो रहे तो उसी में मीडिया भी पड़ जाता है अगर हमारा फोकस हो कि हमने हमने तरक्की करनी है हमने अपनी मीशत बेहतर करनी है हमने कोई बेहतरी लानी है टूरिज़म प्रमोट करना है तो फिर फिर हमारी पॉलिसीज उस तरफ होंगी पार्लियामेंट वैसे सोचेगी अदलिया अब आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब आबादी कैसे कंट्रोल करनी है वो हमें उस पर सेमिनार करवा रहे हैं अब आप मुझे बताएं ये जब आपकी चौवन हज़ार केसेज आपके पेंडिंग पड़े हैं आपका एक सौ उनतासवा नंबर है पूरी दुनिया में और आप यहाँ लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने के तरीके बता रहे हैं चीफ जस्टिस साहब ये जब ये, ये इससे इस हो प्रॉब्लम इससे होता है अगर हमारी हुकूमत का हमारी अदलिया का फोकस पार्लियामेंट का मयशत की बेहतरी होगा आप देखिएगा मीडिया मीशत पे फोकस करेगा यहाँ जब फोकस सबका चस्का है पार्लियामेंट से लेके अदलिया से लेके तो सब जी तक तो फिर मीडिया भी जसका बेचेगा सीधी सी बात है हम वही जो सोसाइटी में है, उसको मिरर कर रहा है मीडिया तो सोसाइटी की डायरेक्शन बेहतर होगी तो मीडिया बेहतर होगा वरना आप समझें कि मीडिया लीड करके बेहतर हो के दूसरों को ऐसा नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा इस उम्मीद को छोड़ दें मीडिया टूल है और इसने टूल रहना है वो मीशत की तरफ चल पड़ेगा तो उधर चल पड़ेंगे अगर आपने यही सेंसेशनलिज्म सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टिकट चलाने हैं तो ये चलेंगे तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है पार्लियामेंट की बहुत जिम्मेदारी है कि वो डायरेक्शन अपनी भी ठीक करे कॉम की भी ठीक करे जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो पूरी कॉम ऐसे ही बस भटकती रहेगी कभी इधर कभी उधर थैंक यू खटक साहब उनसे आपका उन ये हमारे पहले दोस्त ने पूछा कि इलेक्शन हो भी गए तो उसका क्या फ़ायदा होगा अगर लोगों को आज़ादी नहीं होगी बोलने की लिखने की और इजहार करने की तो उसके बारे में गुजारिश है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो एक पूरा चार्टर होता है उसमें सिर्फ इलेक्शन नहीं होता उसमें ये जो आज़ादियाँ हैं इसकी ज़मानत के लिए कहा जाता है और उसमें जाहिर है कि इसके बगैर से नहीं सिर्फ इलेक्शन से तो कुछ नहीं होगा अगर इलेक्शन के बाद ये जो आप मैं समझता हूँ कि जो चार्टर है उसमें ये होगा कि इलेक्शन के बाद जमूरियत आनी चाहिए जमूरियत के मानिए है कि लोग अपनी बात करें और आज़ादी हो अगर ये ना हो तो फिर तो चार्टर नहीं हुआ चार्टर में तो ये सब चीज़ें होती हैं और था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था मुझे याद है अगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना होता तो ये जो अठारवीं तरवीं वगैरह ये सब कुछ नहीं हो सकती थी लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो मेजर पार्टीज़ थी उन्होंने कमिट किया था कि सुबह ही ख़ुदमखारी होगी ये होगा दूसरी चीज़ें होंगी तो वो वो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिर उनको उस पर यानी आगे बढ़ना पड़ा तो ये एक जाम प्रोग्राम होगा ये दूसरी बात जो आपने पूछी है कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग इससे होता है पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं एक तो आ, ये जैसे आपको मालूम है कुछ चीज़ें बहुत जानी पहचानी लगती हैं माइनस वन माइनस वन एक फार्मूला है ये कोई एटमी फार्मूला नहीं है लेकिन ये कि जो सियासी पार्टी पॉपुलर हो जाती है वो कहते हैं वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी इसमें से जियावला कहता है पीपल्स पार्टी से मुझे क्या चल रहा है वो बलवतन लोग हैं अच्छे लोग हैं बस वोटों नहीं होना चाहिए फ़िकारली वोटों नहीं होनी चाहिए बस बाकी तो खैर बिल्कुल क्यों नहीं इसी तरह से हमारी नैप मुझे पता है नैप नेशनल आवमी पार्टी होती थी ए एन पी नहीं नैप पार्टी उसके लिए वली खान होते वो थे वो कहते थे वली खान का अच्छा नहीं है ये बली खान न हो बाकी नैप ठीक है तो ये एक ये चीज़ें हो इंजीनियरिंग ये ये भी एक तरीका है लेकिन एक तरीका खसूस पखतूलखा में ये तरीका जो है क्योंकि जो रियासत माजी में रिप्रेशन करती रही है ये ये भी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो नेशन बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग की स्ट्रेटजी है ये जो डिफेक्टो मैंने कहा डिफेक्टो निज़ाम इस डिफेक्टो निज़ाम का मसला ये है कि इसने ऐसा काम अपने ज़िम्मे लिया है जो इसको आता नहीं है ये इसलिए नहीं क्यों, क्योंकि क्यों उनकी ट्रेनिंग ये नहीं है ना अब मैं मेरी ट्रेनिंग मैं, मैंने लॉ पढ़ा था व, वकालत अब कुछ अरसा मैंने प्रैक्टिस भी की पेशावर हाई कोर्ट में तो अब ये कि अगर आप मुझे ले जाके ऑपरेशन थिएटर में करेंगे कि ये मरीज़ का ऑपरेशन करना है तो खुदा खैर करे यानी सब मरीज़ का क्या बनेगा यानी क्योंकि मुझे तो उसके बारे में इतना भी मालूम नहीं है इसी तरह अगर आप मेरी जगह आप डॉक्टर साहब को ले आके अदालत में खड़ा कर देंगे और उनसे कहेंगे कि आप डिफेंड करें तो ज़रा वो केस हारा हुआ केस ही समझे क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग तो अब ये नेशन बिल्डिंग का उनका जो सारा केस है उनके ख्याल में जो जो उनका तरीका है वो नेशन बनने का ये है कि एक वो शाह के छूह वो कहते हैं ना एक यहाँ पे चिकवाल में एक है कि हजारत है मकबरा है उस पर यतीम बच्चे आते हैं तो उसकी सरुख पर एक खोल रखा जाता है टोपी रखी जाती है सर उनके छोटे रहते हैं वगैरह तो ये एक मुल्क के सारे मुल्क के ऊपर तालीमी निज़ाम को आप उसमें ऐसी चीज़ें डालें कि जो इंतहा पसंदा ख़्याल नजरिया इसके ज़रिए उनका ख्याल है एक कौम बन जाएगी ये ऐसा नहीं होता ये उनको पता नहीं है इस तरह नहीं होता ये आप डाइवर्सिटी को यानी तनवु को आप माने तब ये बा, बात बनेगी यानी यहाँ पे देखें ना पंजाबी ज़बान है बहुत प्यारी जबान है बड़ी जबान है सिंधी है बलोच बलोचान पश्तो जबान है ये चार चार हज़ार तीन तीन हज़ार साल से ज़बानें चल रही हैं आप अभी अगर ये बात कहना शुरू करें वो कहते हैं ये इलाकाइत को फ़रोग दे रहे हैं <laughs> मुझे याद है मैसेन की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन था ये जो बाबा जान और दूसरे लोग पकड़े गए थे इन बेचारों को पहली दफ़ा पकड़ा था मैंने वो बुलाया वो सेक्रेटरी को जो उस वक्त कश्मीर आ, की मिनिस्ट्री का वो सेक्रेटरी था मैंने कहा क्या बात है भाई ये लोगों को आप लोगों ने पकड़ रखा है मुकदमे क्यों बनाए उसने कहा ये इलाकईत को बहुत फ़रोग देते हैं मैंने कहा मसला उसने कहा ये कहते हैं कि शिना ज़ुबान जो है वो इसका यहाँ बोल बाला होना चाहिए और ऐसा हो जाए मुझे तो बहुत बुरा लगा सच बात यह है मैंने उससे कहा कि देखें ये जो गिल बदबिसान है मेरे बाप का तो मुल्क नहीं है मेरा ख्याल मैंने कहा आपके बाप का भी नहीं है ये तो उनके बाप का है तो अगर अगर वो शिना को गिलगित में नहीं कराएंगे तो डेनमार्क में कराएंगे मैंने कहा जी वो ग़रीब बात है बा, बात आप कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग की मैं बात आपको तो असल बात ये है कि उनको अगर वो ये मान लेंगे मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ हम बहुत आगे चले गए होते और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें जो बहुत बड़ा फ्लॉ है नेशन बिल्डिंग और से उसमें एक जो हॉरिजेंटल कनेक्शन हमारे हैं वो ना होने के बराबर हैं ऊपर से एक यानी दबाव है उसके ज़रिए कौमसाजी जो जाहरा कि उसका उलट नतीजा निकलता है लेकिन अंग्रेज़ के ज़माने में मसल मैं आपको बताऊँ जब वो पोलिटिकल एजेंट वजीरस्तान जाता था तो पहले उसको कहते थे कि थोड़ी सी पश्तो सीख लो एक लोरी मर नाम का अंग्रेज लोरी था लोरीमर मर पोलिटिकल एजेंट था उन्नीसवीं सदी के आखिर में उसने पश्तो में किताबें लिखी यानी एक अंग्रेज़ जो कई हज़ार किलोमीटर से आया था अभी हमारे अफसर जो एक सूबे से दूसरे जाते हैं या बस पश्तू जिस सिंध में जाए उसको पता है उसको सिंधी सीखनी चाहिए देखिए ना पशतों में पिछले कई साल से एक यानी पिछले दस पंद्रह साल से बहुत लिटरेचर तख्लीक हुआ है जंग के खिलाफ तशद के खिलाफ पश्तों की आज की शायरी और अफसाने जंग के खिलाफ लिटरेचर है लेकिन पाकिस्तान के बाकी लोगों को क्या पता आप पंजाब में किसी पूछ रहे सिंध में किसी पूछ रहे ये बल बलोच बलोची में क्या लिखा जा रहा है बरावी में क्या हमें तो पता नहीं है तो गुजारिश ये कि ये ये सिलसिला जो आप बात करें ना ये जो इंजीनियरिंग कहते हैं उनके ख्याल में वो तालिबान इतने ख़तरनाक नहीं हैं लेकिन जो लोग कहते हैं कि पश्तूनों के हकूक या बलोचों के हकूक ये असल ख़तरनाक लोग हैं तो इसलिए इनके खिलाफ इंजीनियरिंग होती है तो मेरे ख्याल में ये इंजीनियरिंग जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के बजाय स्टेट एक्टर्स इसके पीछे बेसिकली थे और हो सकता है एक दफ़ा फिर वो इस बात को करेंगे लेकिन ये इस तरह से होते नहीं है लोगों तहरीकों को रोक खत्म नहीं किया जा सकता तो मेरे ख्याल में ये नाकाम तजुर्बे हैं इनको दोहराना नहीं चाहिए मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए थैंक यू फाइनल क्वेश्चन आ, मेरा ताल्लुक सिंध से है तो मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है अफसोस की बात है कि यहाँ पे सिंध का कोई जिक्र नहीं हुआ ना ही इस, उनके सिंध के जो मसाइल हैं उस पर कोई गुफ्तु की गई आ, मेरी मैंने जो भी देखा है कि जिस तरह से जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेकर वाद जो आर्ट था प्रोविंस था वो सिंध था जिसमें डेमोग्राफिक चेंज की, आया बहुत ज़्यादा आया उस और, और अब अफ़ग़ान वार के बाद भी सबसे ज़्यादा फॉल आउट जो है वो सिंध पर ही आया है जो आप रिफ्यूजी क्राइसिस आपने देखा होगा तो आ, ना अब हमारे शहर मुझे ये मेरी जाती रहा है क्योंकि मैं अभी इस्लामाबाद में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ हमारे शहर अब हमारे नहीं रहे मेरे ख़्याल से हमें अपनी ज़बान बोलने की भी वहाँ आज़ादी नहीं है आप कराची में तो ये अब आदत हो गई है लेकिन अब उससे बियड भी हैदराबाद में भी आप अपना कल्चरल ड्रेस फेयर नहीं कर सकते और आ, सर से मेरा क्वेश्चन है कि वह एन पी में भी थे शाही सैयद साहब ने यह स्टेटमेंट दी थी कि सिंध सेक्रेटरीट में कितने पश्तून है तो मेरा सवाल ये है कि के पी के में कितने सिंधी होंगे क्या हमने हम तो कभी कुछ से नहीं करते तो सिंध की जो सियासत है वो बाकी uh, जो एरियाज हैं उससे इतनी डिफरेंट क्यों है और और एक और बात जो मैं कमेंट करना चाहूँगी कि सिंध के लोगों को एक ट्रॉफी दे दे दी गई है दिलना तीर भी जाओ उस टॉफ़ी का नाम है उस पर वो खा के लोग नाचते रहते हैं और उस 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 पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो हमारी लड़कियों की जो है वो ज़बरदस्ती मजहब तब्दीली कराई जा रही है हमारे रिसोर्स पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा वेदर वो हमारे पोर्ट्स है हमारा दरिया है आइलैंड हो गए अब तो की कटाई चल रही है और इसके अलावा जो लास्ट कॉमेंट है मेरा वो ये है कि जो मलिक रियाज है वो हम पे एक नया मोहम्मद बिन कासिम चढ़ बन के हम पे चढ़ दो रहा है हमारी ज़मीनों पर तो इस पर प्लीज़ आप कुछ कॉमेंट कर रहे हैं और ये कि सिंध में जो डेमोग्राफिक चेंज है और लाया जा रहा है और जबरदस्ती डेलिबरेटली लाया जा रहा है उस पर क्यों कोई बात नहीं हो रही देखिए हमने डिस्कस किया है अभी मलिक रियाज की शुरू में शायद ने मिस कर दिया हमने बात की थी और जब हम पेरेफरीज की छोटे सूबों की बात कर रहे हैं उनकी राइस वो सिंध भी उसके अंदर शामिल होता है कि वो क्यों लेकिन उस पर हम फर्दर कॉमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात नहीं चल रही कि सबसे ज़्यादा जो मंशियात है वो कराची में ली जाती रही है हालाँकि यहाँ पे तो वैसे तो भंग होनी चाहिए लेकिन वो नहीं होती क्योंकि हम तो कल्टीवेट यहाँ पे कल्टीवेट नहीं होती ये सारी चीज़ें वहाँ भंग होनी चाहिए इस्लामाबाद में चर्च होनी चाहिए अपने अपने इलाके की वो खसूसियात हैं थैंक यू वेरी मच लेकिन बात देखिए मैं पंजाबी हूँ तो आप सिंधी या पख्तून से क्वेश्चन कि मैं अगर इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ तो, तो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होगी वो बात वही है इलाका ही ये जो है ना आप दूसरी एंगल से इसी इलाकइत के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं अगर जब हमने फेडरेशन बनाई है तो हमारा आना जाना एक दूसरे की तरफ तो रहेगा अब आप इसे बदकस्मती कह लें या खुशकस्मती कह लें कि कराची वॉज द सिंगल पोर्ट सी पोर्ट तो एक ही था पाकिस्तान में बंदरगाह एक ही थी शुरू में फिर वह दारोलखलाफा भी बन गया तो एक जो फ्लो था लोगों का वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाना शुरू हो गया और फिर मोहम्मद बिन कासिम का बदला लेने के लिए हमने मलिक रियाज को भेजा है कि ताकि वो आ, इसलिए उसको आप इस तरह न लें उसमें मैं आता हूँ बाद में भी लेकिन जब तो उस वजह से रोज़गार की तलाश में लोग अगर वहाँ जाते हैं और उन्हें रोज़गार मिलता भी है तो इसी तरह कौमें बनती हैं अमेरिका में न्यूयॉर्क है वहाँ पे हाँ दुनिया हर अमेरिकी और दुनिया के हर शहर से वहाँ लोग जाते हैं और न्यूयॉर्क की सबसे ज़्यादा अहमियत होने की तरक्की की वजह भी यही है कि वहाँ डाइवर्स हम डाइवर्सिटी पे बात कर रहे हैं ना जस्ट होल्ड ऑन लेट मी जस्ट फिनिश फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ एक और मैं इस आप और मैं और सब इस वक्त पंजाब में बैठे हैं आपको पता है ये इस्लामाबाद जो है ये पंजाब है पंजाब को काट के इस्लामाबाद बनाया गया अब यहाँ पे पंजाब में भी ये पठवार का ख़त् था अब पठवारी को भी तो एहसास होता होगा ना यहाँ पे कि भई यहाँ आ गए हैं इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई हैं हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर लिए हैं और हमें बीच में एक प्लॉट दे देते हैं तो उनको भी ऐसा मैं मैं मिलता हूँ एक ऐसी आपको वाक़ सुनाऊँ कि मैं एक घर में एफ़ सेवन वन में किराए पर रहता था तो वहाँ पर एक बंदा जो है वो वेल्डर टाइप काम करता था और वो उस घर में ही सालों साल काम करता रहा मैंने पूछा क्यों कहता है ये जो घर जहाँ बना हुआ है ये हमारी आबाई ज़मीन है अब वो वहाँ से उस वो कोठी में काम करता है लेकिन वो उसकी आबाई जमीन पे बना हुआ है तो अब ये दार्खलाफा बन गया है तो यहाँ भी एक चेंज आ रही है यहाँ आप देखें पिछले कुछ सालों में पख्तून पापुलेशन बहुत बढ़ गई है इस्लामाबाद में और पंजाबी पॉपुलेशन कम हो गई है तो अब इस पर पंजाब या पुठवारी उठ के वो कहना शुरू कर दें तो ये मुनासिब बात तो नहीं है ना क्योंकि जब हमने इसको अब कैपिटल बना लिया है तो कैपिटल के साथ कैपिटल के जो प्रॉब्लम है वो भी आएंगे आपके पास सी पोर्ट है वो कैपिटल था पाकिस्तान का तो उसके उसके एक डेमोग्राफिक चेंजेस ऑटोमेटिकली भी आई हैं ये जितने इन्फ्लक्स था ना इधर से इंडिया से रेफ्यूजीज़ का वो पहले पंजाब में आया है पंजाबी यार हो उर्दू स्पीकिंग आगे चले गए क्योंकि वो कैपिटल में वो ज़्यादा अर्बनाइज थे वो अर्बन सिटी में रहना चाहते थे कराची वॉज एन अर्बन सिटी लकीली और अनलकीली ली तो आई थिंक ये डेमोग्राफिक चेंजेस होती रहती हैं जहाँ तक मलग रियाज उर्फ मोहम्मद बिन कासिम की बात है उसमें सिंध की पार्टी का बहरह एक रोल है सिंध की लीडरशिप का रोल है पंद्रह साल से मुसलसल वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कुछ तो क्रेडिट आप या डिसक्रेडिट आवाम को भी दें और अपने आप को भी दें

और कितने उनकी जायदाद हैं मतलब इट्स अ फ्री कंट्री अगर फिर ये फिर ये फिर आप या तो कह दें कि जी नहीं हम फेडरेशन नहीं है कोई आ जा नहीं सकता अब सिंधी आए ना सिंधी सिंधी अपनी जमीन नहीं छोड़ते बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद उन्हें पसंद आया है अब आके तो कुछ आना शुरू हुए हैं उन्हें कहें पिशावर में जाके अपना कारोबार करें अजरों की दुकान ही खोल लें और कुछ भी तो वो सिंधी टोपी वहाँ बहुत बिकेगी इस तरह की चीज़ें वो करें ना पख्तून तो ट्रांसपोर्ट चलाता है चले नहीं आ, देखे पख्तून लेके ना काबुल से लेके तो वो वहाँ कराची और गवादे तक उसने ट्रांसपोर्ट चलानी है तो वो हर जगह होगा उसका रेस्टोरेंट भी होगा तो शनवारी रेस्टोरेंट तो होगा <laughs> कोयटा टी स्टॉल तो होगा तो इसलिए ये 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 हुसन है मैं तो समझता हूँ कि ये तो हमारी जो डाइवर्सिटी का हुसन है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो आप क्योंकि बहुत ज्यादा आ चुका अब बंगाली बंगाली के साथ हमने जो किया हमने सीखा है ना कुछ तो पंजाबियों ने सीखा है कुछ पंजाबियों ने तो सीखा है ना सर हैदराबाद कराची या लाड़काना में आप जाके देखें मैं लाड़काना शहर का रहवासी हूँ मुझे वहाँ पर इस वक्त अफ़गान जो महाजरीन हैं हमारे भाई हैं जो यहाँ पे आके रेफ्यूजीज़ कैंपस के कैंपस के, में रहना था उन्होंने उन्होंने लेकिन वो अभी आके लाड़काना शहर में सखर सिटी में मीरपुर खास और उसके अलावा नवाब शाह और हैदराबाद जैसे जो है दूसरे सिंध के शहर जिनको माइनिस्ट्री मीडिया के ऊपर कहा जाता है कि इंटीरियर सिंध सही है सर एक शुरुआत से ही उसको जो है तोड़ा जाता है मुख्तलफ जो है वजुहत के बिना पे ना उसको जो है एक हिस्सा नहीं माना जाता जिस तरीके से आपने दारुल खलाफा की बात की मैं मानता हूँ मैं इस बात की इज़्ज़त भी करता हूँ कि कराची को यह एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा रहा लेकिन अब भी उसको यह एजाज़ हासिल है कि वो सुबह सिंध का दारुल खिलाफा है अगर वो सुबह सिंध का दारुल खिलाफा है तो वहाँ पर जो सिंध के रहने वाले बत, ब, 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 बंदे हैं या जो डिसाइल वहाँ का जो है रखते हैं उनको पूरा हक है कि वो पहली अपॉर्चुनिटीज़ पहले कारोबार और जितनी चीज़ों में हैं वो आ, अवेल करें बाकी रही बात पीपल्स पार्टी की जो पंद्रह साल से वहाँ पर हुकूमत में है उसको जैसे मैम श्री मजारी साहिबा ने जो है इमाम इमाम मजारी साहिबा ने जो है एक जुबला कहा कि एक दोस्त के कहने पे कि इनको कौन जो है इलेक्ट करता है इनको कौन इलेक्ट करता है इनको हम इलेक्ट नहीं करते सर ये मैं वाजी बता दूँ ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना इनको हम लोग इलेक्ट नहीं कर रहे इनको जो है मुख्तलफ जो है हमारे आ, लीडरान है वो अपनी जो है अक्सरत राय से इनको इलेक्ट करते हैं और हमारे ऊपर मुसलत करते हैं और वो ये फैसले उठाते हैं वो फैसले किसी भी कौम के हक़ हाँ में नहीं है वो पाकिस्तानी कौम के हक हाँ में नहीं है वो किसी कम्यूनिटी के हक़ हाँ में नहीं है सिंधी हो बलोच हो पश्तून हो या खैबर से ताल्लुक़ रखने वाला मेरा प्यारा भाई या बहन हो देखिए ये सारे जो बातें बहुत लंबी बहस हो जाएगी टाइम नहीं है मैं आपको एक बात कहूँ आप यंगस्टर्स हैं सारे मीशत इकॉनमी इट्स इकोनॉमी बेट सारी बात इकोनॉमी की है इकोनॉमी हमारी ग्रो करना शुरू कर देना ये हमारे ये खिलाफ ख़त्म हो जाएंगे अफगान जो आए हैं निकाल देने चाहिए मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है जो इलीगल हैं लेकिन आप तारीख पढ़ें आपके सिंध में कितने अफगान कहाँ से हैं जितने बड़े खानदान जागीरदार हैं सारे इनकी अक्सरत अफगान हैं तो सारे आए ये खत्ता ऐसे है इस यहाँ से उधर से लोग आते रहते हैं आते रहेंगे लेकिन अगर हमारी इकानी बेहतर होगी तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं हमारी पाए जो है ना वो बड़ी नहीं हो रही उसको असल फोकस वहाँ पे करें अगर हम हमने फेडरेशन बना ली है लेकिन ये छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे ना तो हमारा जो असल फोकस है इकानमी है वो नहीं उधर तो मीडिया भी नहीं जाने दे रहा मीडिया की बात आप लोग बार बार करते हैं मीडिया इकानमी पर तोज्जो नहीं जाने देता आप इकानमी पर तोज् करें अगर पंजाबी में कहते हैं जैसे हर दाने उदे कमले भी से आपके घर जाने होंगे तो आप सब कुछ आपको ये भूल जाएगा आप तो छुट्टियां मनाने यूरोप जाया करेंगे फिर इस्लामाद नहीं आया करेंगे आपको आप ये चीज़ें मसायल हल हो जाएंगे हर एक के पास गाड़ी हो घर हो ए, अच्छी तालीम हो अच्छा हॉस्पिटल हो रिटायरमेंट कुछ आपको बेनिफिट्स हों तो ये मसायल हमारे ख़त्म हो जाएंगे प्लीज़ आप अपने नुमाइंदों को अपनी जगहों पर जहाँ पर आप जाएँ आप इकानी पर फोकस करें इकानी को इस मुल्क की इकानमी ग्रो होनी चाहिए हम बहुत पीछे रह गए बहुत पीछे रह गए पूरी दुनिया में पूरी दुनिया से पीछे रह गए इन छोटे छोटे झगड़ों में मेरा ख्याल कुछ अर्चे के लिए हम बंद कर दें इकोनॉमी पे फोकस थैंक यू अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और सवालों का टाइम नहीं खटक साहब एक फाइनल कमेंट करना चाह रहे थे मेरा ख्याल हमने जो बात की है वो ठीक बात है असूली बात है इकोनॉमी की ग्रोथ ना होने से ज़ाहिर है कि बहुत सारे मसायल जो है वो एक तरह से हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम और एक दूसरे के ऊपर एक तरह से अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरों के ऊपर डालते हैं ये वाकई इस तरह है लेकिन मैं गुज़ारिश ये भी करना चाहता हूँ कि एक अगर हमारे यहाँ जमहूरियत होती फेडरेशन होता तो ये ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ये ना होती ये भी बड़े बड़ा मसला है कि देखें ना सिंध तो सिंध है बहरअल् में यानी सिंध को कबूल करना चाहिए कि सिंध एक रियलिटी है सिंध एक सरजमीन है उसकी एक तारीख है सैकड़ों साल की हज़ारों साल की कल्चर है उसका तमदन है सिंधु दरिया जो है वो ज़ाहिर है के उनके नाम से है तो ये ये अगर फेडरेशन होती तो ये इनसिक्योरिटी ना होती और ये जो बाहर से लोग आते हैं महाजर और मुकामी इसमें जो महाजरों के हकूक हैं वो भी अपनी जगह वो इंसान हैं जाहिर है कि कौन अपने मुल्कों को छोड़ता है यानी या, या, जिस तरह की जंगे अफगानिस्तान में लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान को हम मुसरत करना चाहते कि हर जगह पर मसला उनकी आबादी बने और फैले उसमें ये होता है कि जो महाजर हैं उनके अपने राइट्स हैं और जो होस्ट कम्यूनिटीज़ हैं उनके अपने राइट्स हैं ये एक दूसरे की कीमत पे नहीं होते कि इसके राइट्स माने जाएंगे तो उनके राइट मारे जाएंगे ऐसा नहीं होता जो लोग यानी जो डेमोग्राफिक ये ये मुझे इस इतफाक़ है कि फेडरेशन में लोग आएंगे इकानमी के पीछे लोग आएंगे और जाते हैं लेकिन हमारे लोग अब यूरोप में जा रहे हैं यूरोप के बहुत से शहर में लेकिन बरतानिया में एक इंडियन औरिजन का आदमी वजीर अजम बन गया है यानी किसी ने यह नहीं कहा कि भाई किधर से आया है क्या कर रहा है तो ये होता लेकिन साथ में ये भी है कि जी स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी बन गए चीफ मिनिस्टर या वहाँ का जो सबसे बड़ा आदमी है तो हाँ लेकिन यह है कि इसके साथ साथ वहाँ इसलिए ये एहसास नहीं होता कि किसी को यह एहसास नहीं हो रहा कि हमारे हमें हमें डेमोग्राफिकली ख़त्म किया जा रहा है या हमें कुचला जा रहा है यह नहीं है तो इसलिए लोग खुश दिली से ये चीज़ें कबूल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत और उसके लिए लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्लूजन और जैसे उन्होंने कहा कहानॉमिक डेवलपमेंट बहुत अहम है ये ये चीन की मैंने कुछ अर्सा देखी है अभी चीन की जो अभी लीडरशिप है इनकी तहरीरें मैंने पढ़ी हैं वो, वो एक सफा पसंद है शीपिंग की किताबें हैं चार किताबें उसने लिखी हैं चाइनीज़ गवर्नेंस सिस्टम उसमें हर सफ़े पर एक से ज़्यादा मरतबा वो लिखता है बार बार कि और मेन फोकस इज़ ऑन इकनॉमिक डिवेलपमेंट क्योंकि जैसे बिल्कुल क्योंकि अगर ये इकनॉमिक डिवेलपमेंट होगी तो ये बाकी मसाइल पर हम ऐसी बहस कर सकेंगे कि मुफीद होगी बिल्कुल इकानी उनकी, उनकी चालीस सबके लिए गुजाइश है लेकिन ज, जिस दिन वह इकानमी ख़राब हो जाएगी आ, तो ये सब लोग घुटखड़े हो गए आप बाहर के खुद कबीलों में मुकामी कबीलों में तकसीम हो जाएंगे तो लोग सुखड़ जाते हैं तो ये ये भी बहुत अहम बात है कि इकानमी पर हमें फोकस करना चाहिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का आप सबका भी बहुत शुक्रिया इतने इंगेजिंग तरीके से क्वेश्चंस करने का इस स्पेस के जरिए जो है हमें बाव बाव मौका मिला कि हम इस तरह की बातें जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती उनको करें तो ब्लैक होल का परवेज वेजहू बॉय साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये स्पेस क्रिएट की है और होपफुली और भी इस तरह की डिस्कशंस यहाँ पर होंगी थैंक यू